Making money into stock market is as easy as making a cup of coffee, but your trade should be process oriented, not profit oriented. जब हम ऐसा बोलते हैं योर ट्रेड शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो लोग कहते हैं रवि सब लोग बोलते हैं तुमने क्या तीर मारा, हम उसके बारे में पढ़ते नहीं, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उन्हें पता है, शायद आपने मेरे बारे में सर्च किया होगा कि हाउ मच रवि हैव मेड फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट इटसेल्फ। आई एम ओनली 32 ईयर्स ओल्ड एंड इन लास्ट 14 ईयर्स आई हैव मेड इन करोड़ एंड करोड़। अगर मैं 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ की बात करूँगा बहुत छोटी रकम होगी। I have made crores and crores only from stock market, and I am ex-scientist from NASA. I am PhD from University of Southern California. परचे बाद में देंगे, पहले हम काम की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं making money into stock market is as easy. तो लोग कहते हैं कि रवि how it is? Is it as easy as making a cup of coffee? मैं कहता हूँ yes, it is. This is as easy as making a cup of coffee, but your trade should be process oriented, not profit oriented. हमें एक बच्चा चाहिए होता है तो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं। वी कांट अचीव एनीथिंग विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस। 30 मिनट तक हम आपको पकाएंगे, बी ब्लंट, 30 मिनट के बाद आप टी ब्रेक पे भी नहीं जा पाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, सो आर यू एक्साइटेड? और आर यू सुपर एक्साइटेड दिस मॉर्निंग? क्या बात है। तो हम कुछ क्वेश्चन से इस सेशन की शुरुआत करते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों से होगा दैट हैव यू ever traded into stock market? कितने लोग stock market के बारे में जानते हैं? What a stock trading is all about? हमारे according, a stock trading, turning your materialized business into dematerialized form is a stock. लोग stock trading में why 90% people lose their entire capital within 90 days of their trading journey? सबको डर क्यों लगता है? अगर मैं नासा छोड़ के stock trading में आया हूँ तो definitely I have achieved something. हमारे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं, प्रशांत तुम हो गए, मुनीस हो गए, मैनेजर साहब आप भी शायद पहले भी 6 सितंबर को अटेंड किए, बहुत सारे लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो आखिर ऐसा क्या है कि वी आर अनेबल टू अचीव आवर टारगेट इन स्टॉक ट्रेडिंग? एक क्वेश्चन पूछिए, हम स्टॉक ट्रेडिंग में बाय चांस आए या बाय चॉइस आए? 99.99% आंसर इज हम बाय चांस कुदक गए। आप जो जिस भी प्रोफेशन में हैं आप बाय चॉइस हैं, बट स्टॉक ट्रेडिंग दुनिया का ऐसा प्रोफेशन है जहां लोग बाय चांस उतरते हैं, बाय चॉइस नहीं उतरते हैं। हम इस मिथ पे वर्क करेंगे, हम इस डेटा पे वर्क करेंगे, और हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम आपको पूरी तरह से सिखा ना दें आज। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ मच यू डू प्रैक्टिस। दिस इज नॉट अपसेलिंग सेशन। अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि सेमिनार के बाद कुछ बिकता है, फॉरगेट अबाउट इट एंड एवरीथिंग। हम सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे और उसका प्रैक्टिकल दिखाएंगे, और विश्वास कीजिए आपको मजा आने वाला है, और मजा तभी आएगा जब आप एक्सेप्ट करेंगे। सो हैव यू एवर ट्रेडेड इनटू स्टॉक मार्केट? सो द सेकेंड क्वेश्चन आफ्टर दिस, आर यू कंसिस्टेंट विनर? कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। सो आर यू कंसिस्टेंट विनर? लोग कहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट विनर? कंसिस्टेंट का विनर का मतलब ये होता है कि आज हम जीते तो कल भी, परसों भी, मींस हमारा विनिंग रेशियो क्या है, आर वी विनर और आर वी लूजर, हम क्या कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। तो जब कंसिस्टेंट की हम बात करते हैं तो हम स्टॉक ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट है या नहीं? प्रॉब्लम ये है ना कि लोग जब मार्केट में उतरते हैं ना तो सोचते हैं कि बाय लक कुछ होता है। बाय लक यहां कुछ नहीं होता है, बाय चांस कुछ भी नहीं होता है, एवरीथिंग इज बाय चॉइस। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 97% बिजनेसमैन इज अनेबल टू फिल देयर थर्ड ईयर ऑफ रिटर्न। जिसको देखो शॉप खोल रहा है, बिजनेस खोल रहा है, दुकान खोल रहा है, ऑफिस खोल रहा है, 3 साल नहीं चल पाता, 6 महीने में तो बहुत सारे शटर बम। लोग फिजिकल बिजनेस में भी बैंकरप्ट होते हैं। अगर विजय जी को कुछ मिला तभी विजय जी उड़ीसा से आए हुए हैं, आप 12 बजे सारे लोग दुबई से आ रहे हैं, दे आर ऑन द वे। तो फिजिकल बिजनेस में धम होते तो वहां तो किसी से आप कंप्लेन करते हैं, स्टॉक मार्केट में कंप्लेन क्यों करते हैं? सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस, व्हाट इज ट्रेडिंग, व्हाट इज इन्वेस्टिंग एंड गोल्डन रूल्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग। आई एम गोइंग टू गिव यू 3 सेकंड स्टॉक स्कैनिंग प्रोसेस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड हाउ टू क्रिएट ट्रेडिंग ब्लू प्रिंट। सो व्हाट स्टॉक ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट, क्या लगता है आपको? हमें लगता है कि स्टॉक ट्रेडिंग जुआरियों का अड्डा है, बट आउट ऑफ 500 बिलियन ईयर्स, मैं 10-20 मिनट पकाऊंगा, पकाने का अधिकार है ना,
क्योंकि जब तक शादी के बाद फाइनली क्या करते हैं हमें सब हम सबको पता है वी नीड रिजल्ट बट वी डू मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्व ध्वजा मंत्र अभिमंत्र पढ़ रहे हैं ताकि आप उस पेस में आए शादी का कार्ड छपवाते हैं बारात लेके जाते हैं बट फाइनल गोल क्या है हम उस गोल पे पहुंचेंगे उस गोल तक पहुंचने में 20 मिनट का समय लगेगा कि हम एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं समझिए कि आपका सेशन 9:40 में शुरू हुआ 20 मिनट झेल लीजिए हमें देखिए सेशन 20 मिनट आगे कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हम डायरेक्ट चार्ट पे आए आप बोलेगा ये क्या बात कर रहे हो रवि सो व्हाट अ स्टॉक ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट इफ यू डोंट नो व्हेन टू एंटर एंड वेयर टू एंटर व्हेन टू एग्जिट एंड वेयर टू एग्जिट अ स्टॉक ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट गैम्बलिंग आप लोग कैसिनो नहीं गए आई हैव बीन टू अमेरिका अमेरिका में कैसिनो होता है कैसिनो में लोग इसी माइंडसेट से जाते हैं कि आज तो कमा के लौटेंगे बट नो वन हैज बिकम बिलियनियर फ्रॉम कैसिनो और कैसिनो का मालिक कभी आज तक बैंकरप्ट नहीं हुआ व्हाई द सेम माइंडसेट इज एप्लीकेबल इन बिजनेस एज वेल तो इफ यू डोंट नो व्हेन टू इंटर एंड वेयर टू इंटर एंड व्हेन टू एग्जिट एंड वेयर टू एग्जिट अ स्टॉक ट्रेडिंग इज गैम्बलिंग फॉर यू इफ यू नो When to enter and where to enter, a stock trading is science for you, and उसके बाद आप artist बनते हैं If we are not artist, हम paint में क्या करेंगे Paint में पानी मिलाया जाता है अगर हमें wooden हमें करना है कागजों पर तो enamel नहीं मिलाएंगे So it is important, देखिए बॉम्बे एक्सप्रेस आ गई Welcome, welcome. So हम paint में पानी मिलाते हैं और इसका example हम देते हैं लोगों को पता ही नहीं है कि वी आर ए इन्वेस्टर वी आर ए ट्रेडर राजकुमार जी जनरल मैनेजर इन मुंबई मेट्रो ही हैज डायरेक्टली कम फ्रॉम मुंबई सो लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज इन्वेस्टिंग एंड व्हाट इज ट्रेडिंग हम इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं तो लोग उतरते हैं स्टॉक मार्केट में चमत्कार करने के लिए यस बैंक मैं अगर आने वाले 40 मिनट में आपका कंप्लीट माइंडसेट नहीं बदल दिया स्टॉक ट्रेडिंग को लेके तभी ये बॉम्बे से दौरे दौरे आ गए इनका शेड्यूल अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा विजय भाई का इंपॉर्टेंट होगा साहब का इंपॉर्टेंट होगा दादा साहब तो मैं आपका माइंडसेट कंप्लीट चेंज करूंगा माइंडसेट नहीं कंप्लीट में नॉलेज दूंगा तो हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग लोगों को पता ही नहीं कि हमें कितनी देर में के लिए इंटर करना है कब इंटर करना है हम किस तरह के व्यापारी हैं अगर दिल्ली से लंदन जाना है तो इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ेंगे तैयारी अलग होगी दिल्ली से यहां से बस उतर के दरियागंज जाना है तैयारी डिफरेंट होगा सो प्रॉब्लम यह है ना कि वी डोंट नो वी आर ए इन्वेस्टर और वी आर ए ट्रेडर वी डोंट नो व्हाई क्योंकि हम बाय बॉर्न ट्रेडर हैं क्यों हम वी हेट टू वेट और बाद में जाके हम बन जाते हैं इन्वेस्टर क्योंकि यस बैंक निकलने का मौका देती नहीं है सो रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे बट हिरोशिमा एंड नागासाकी बट डिस्ट्रॉयड इन अ सिंगल डे This session is being conducted by Kubbe Switzerland. ये जो morning session में आप लोग बैठे हैं, ये नो द पल्स का session नहीं है, Kubbe Switzerland का session है, Trader Fista. So making money into stock market is as easy as making a cup of coffee. But your trade should be process oriented, not profit oriented. This is one of my favorite quote, and I am using this sentence from last 14 years. So we are just going to learn only one thing: the difference between materialized world and dematerialized world. अब हम बात करते हैं मार्केट की बात करते हैं आप लोग ये सेशन अटेंड कभी नहीं किए होंगे इतने सालों में थोड़ा सा कुछ नया सीख लीजिए हाउ बिजनेस इज बीइंग ड्रिवन बिजनेस कैसे ड्राइव हो रहा है सो बिजनेस इज बीइंग ड्रिवन फ्रॉम करेंसी करेंसी इज अ फॉर्म देखिए आईआईसी मैनेजमेंट भी ज्वाइन कर रही है हमारे इवेंट को क्या बात है सो बिजनेस इज बीइंग ड्रिवन फ्रॉम करेंसी और जब मेरे पास पैसा है तो क्या करेंगे हम लोग लेंगे क्रूड ऑयल ब्रेंट गोल्ड सिल्वर अल्मोनियम एग्री कमोडिटी और दिस इज द मेन प्रोडक्ट एंड दिस इज द प्रोडक्ट विद ब्रांड सो नॉर्मली वी आर गोइंग टू फोकस इन दिस क्लास ओनली ऑन थ्री एसेट क्लास फर्स्ट वन इज करेंसी कमोडिटी एंड इक्विटी आपके सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है हमारा कमोडिटी कट के टी वाई हो रहा है यहाँ देखिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलो कोई दिक्कत नहीं बाद में कर लेंगे सो नाउ I would like to ask one question that what kind of trader you are? आप किस तरह के व्यापारी हैं? Do you know? 99% people don't know the kind of trader he is. किस तरह के व्यापारी वो हैं? उन्हें पता नहीं है because they don't know when to enter and where to enter and when to exit and where to exit.
साहब जी इतने बड़े ऑडिटोरियम में 100 आदमी बिठाते हो पता भी नहीं चलता है, आपसे आप ही से बात कर रहा हूँ। चलिए तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह के ट्रेडर हैं। वी आर ए आवरली ट्रेडर, वी आर ए डेली ट्रेडर, वी आर ए वीकली ट्रेडर और वी आर ए मंथली ट्रेडर एंड वी वी जस्ट नो हाउ टू एंटर, वी डोंट नो हाउ टू एग्जिट। तो हम इस पर पूरी तरह से बात करेंगे और इस पर हम पूरी तरह से फोकस होंगे कि हाउ एग्जैक्टली वी कैन गो विथ स्टॉक ट्रेडिंग। लाइफ इज गोल विदाउट हैविंग अ प्रॉपर गोल, अ लेटर विल नॉट रीच एनीवेयर विदाउट हैविंग अ प्रॉपर एड्रेस। चिट्ठी आपने लिखा, ईमेल आपने लिखा, कहीं पहुंचेगा क्या? कहीं पहुंचेगा राजकुमार जी, कहीं पहुंच सकता है क्या? नहीं। सो बिफोर एंटरिंग इन टू द मार्केट व्हाई यू आर ट्रेडिंग इन टू कॉल पुट ऑप्शंस फ्यूचर, व्हाई? बिकॉज यू वांट टू डबल योर मनी इन अ सिंगल डे, यू वांट टू डबल योर मनी इन अ सिंगल डे। दिस इज नॉट एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी। बच्चा भी एक दिन में तैयार नहीं होता, इट विल टेक 9 months। Your things should be process oriented, not profit oriented. इसके बाद मेरा last topic, इसके बाद सिर्फ हम practical दिखाएंगे। मैं theoretical बहुत कम बोलता हूँ, सुबह आज बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। So your goal should be first 90 days. Whenever you have started trading, your goal should be protect your capital. और अगर आप stock trading में इससे कम per month का अगर आप expectation रख रहे हैं कि चलो जी 1% मिल जाए, तो बेहतर है किसी बिल्डर को पैसे दे दीजिए और वहीं पे कीजिए। और ये भी तब आपको कमाना है जब विदाउट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर सिस्टम, विदाउट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर सिस्टम 9:15 से 3:30 तक सिस्टम को क्लोज रखना, ये कसम खानी पड़ेगी। क्योंकि बाय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर सिस्टम आप निफ्टी के एक पॉइंट को हिला सकते हैं, ब्लड प्रेशर का पेशेंट और बन जाएंगे राजकुमार जी, ब्लड प्रेशर के पेशेंट और बन जाएंगे। और मैं इतना बड़ा एम्पायर चलाते हुए मैं बड़ा बेल्ला आदमी हूँ, मुझे एक कॉल नहीं आ सकता है किसी काम से। अभिषेक संभाल लेंगे, अतुल भाई हैं बाहर, सब लोग संभाल लेंगे, लोग सब संभालने के लिए काफ़ी हैं। सो यू बिजनेस को डेलीगेट करने आना चाहिए। वी आर टेलिंग दैट आई एम ए बिजनेस मैन, बट डू यू नो हाउ टू डेलीगेट योर टास्क? वो टास्क डेलीगेशन आपको अपने सिस्टम को देना है। कैसे देना है? आई विल गाइड यू। आर यू एंजॉइंग? पका दिया सुबह सुबह रही भाई। सो नाउ कोई नहीं, किन्हीं को मजा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? आर यू एंजॉइंग? थोड़ा तेज से बोलेंगे। देखिए एक मैंने पहले बोल दिया कि ये कोई बेचने वाला सेशन नहीं है। नो द पल्स को आप नहीं जानते, रवि आर कुमार को नहीं जानते। रवि आर कुमार प्रेसिडेंशियल अवार्डी, राष्ट्ररत्न अवार्डी है सर, हम आपके सामने खड़े हैं। और आप 1 बजे तक रुकिएगा, मारुति के सीईओ भी हमारे चेले हैं, ये सब जानते हैं। भाग के सीईओ भी हमारे स्टूडेंट हैं, सब आएंगे। दुबई से पूरी फ्लीट आ रही है, आप वेट कीजिए, बस 1 बजे तक इंतजार कीजिए यहाँ पे। फिर हमको बोलेंगे सर जल्दी आप लोग निकल जाइए, वो लोग इंटर करेंगे। क्योंकि मैं क्या बताऊँ आपको, वो लोग आएंगे, लोग अपना पर्चे खुद देंगे। सो वाई 90% पीपल लूज देयर इंटायर कैपिटल, चेंज कर दिए, विद इन 90 डेज ऑफ द ट्रेडिंग जर्नी, बिकॉज दे डोंट नो वेन टू इंटर एंड वेयर टू इंटर एंड वेन टू एग्जिट एंड वेयर टू एग्जिट। एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें एंट्री और एग्जिट के बारे में पता नहीं है तो हम स्टॉक ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। राहुल नहीं है स्क्रीन, मुझे थोड़ा सा कभी ब्लर लगता है, चेंज कर दीजिए स्क्रीन में, थोड़ा सा मुझे उस तरफ में ब्लर लग रहा है, चेंज कराया मैंने आपको। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इन मार्केट 97% पीपल इज लूजर एंड 3% पीपल इज मल्टी मिलियनियर। इंडिया के किसी भी अरबपति का नाम लीजिए, सो दे आर, जो भी मल्टी मिलीनियर हैं दे आर इनटू स्टॉक ट्रेडिंग। और हमें क्या सिखाया जाता है, बेटा तुम मत इंटर करना, तुम इंटर करोगे तो लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। चार्ट नहीं है हमारे पास, क्योंकि चार्ट का अरेंजमेंट बाद में करेंगे। मुनीश को दे दीजिए। हम मार्केट में समझेंगे दैट हु इज मेकिंग मनी। तो नोविस जो जिनको पता नहीं होता है कि हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, और प्रोफेशनल हु नो वेन टू इंटर एंड वेयर टू इंटर एंड वेन टू एग्जिट एंड वेयर टू एग्जिट। तो हम आज प्रोफेशनल क्या करते हैं, प्रोफेशनल किस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, उस स्ट्रेटजी पर बात करने वाले हैं। चेंज कर दीजिए। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर वन स्क्रीन विद यू, और अब आने वाला है मजा। सो फास्टन योर सीट बेल्ट, और हम बात करते हैं अब
कि हाउ टू गो फॉर इट. सो जस्ट गिव मी 10 मोर सेकेंड्स. लेट मी ओपन वन फाइल. जस्ट गिव मी 10 मोर सेकेंड. फाइल खुलने में इतना टाइम लग रहा है. वंडरफुल. शेयर कर दीजिए. शेयर कर दीजिए. तो हम आपको बता रहे हैं हाउ टू प्लान अ ट्रेड. ये सब पार्ट कॉमन है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज के डेट में कॉमन नहीं है. राजकुमार जी, आपको ही बोल रहा हूँ. सो आई एम गोइंग टू गाइड यू द 6-step प्रोसेस हाउ टू प्लान अ ट्रेड. नो द पल्स. कैसे 3 सेकेंड में मार्केट के पल्स को आप जानेंगे, और जब आपको समझ में आ जाए तो एक बार ताली लास्ट में बजाइएगा. अभी अभी आप लोग सब रोक के रखिए, पूरी एनर्जी अभी रोक के रखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग फोकस कीजिए स्क्रीन पे, और हम बात करते हैं. पहला हमारा था गोल. लाइफ इज गोल विदाउट हैविंग अ प्रॉपर गोल. तो इस गोल की हमने बात की. पर्पस की हम बात करते हैं. पर्पस विल लेट यू नो द काइंड ऑफ ट्रेडर. आप किस तरह के व्यापारी हैं. सब इज इट क्लियरली विजुअल फॉर एवरीवन. What kind of trader you are? आप किस तरह के व्यापारी हैं. So on the basis of fundamental, mental and technical analysis, आप business करते हैं गोयल साहब, तो पता है ना कितनी देर में exit लेना है. तो on the basis of fundamental, mental and technical analysis, there are 3 kinds of trader. First one is known as intraday trader. Second one is known as swing trader and third one is known as positional trader. मैं जानबूझ के माइंड मैप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका माइंड क्लियर हो. हम पीपीटी पे भी हम दिखा सकते थे, हम उस पर दिखाना नहीं चाह रहे हैं. सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द पल्स एनालिसिस टेक्निक वी विल फोकस ऑन वन थिंग कि अगर हम एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हम कौन सा चार्ट पे पल्स देखेंगे. अगर हम एक स्विंग ट्रेडर हैं तो व्हाट काइंड ऑफ चार्ट वी आर गोइंग टू यूज. एंड इफ वी आर अ पोजिशनल ट्रेडर, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजिशनल ट्रेडर एंड द काइंड ऑफ चार्ट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस फ्यू मिनट्स. एंड इट वर्क्स 100%. सो पोजिशनल ट्रेडर, बिफोर एंट्रिंग इन टू द मार्केट, गाड़ी में जब आप बैठे आज सुबह सुबह, तो पहले आपको गोल पता था ना, तो उसके अकॉर्डिंग पेट्रोल डलवाए ना कि 500 ml डाल दो जी, गुड़गांव से दिल्ली पहुंच जाएंगे 500 ml में. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो बिफोर एंट्रिंग हमें पता था कि वी आर अ इंट्राडे ट्रेडर, वी आर अ स्विंग ट्रेडर और वी आर अ पोजिशनल ट्रेडर. इफ दिस 3 point इज नॉट 100% क्लियर, वी कांट अचीव व्हाट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग फॉर. सो इफ वी आर अ पोजिशनल ट्रेडर, व्हाट इज द डिफरेंस. टेक्निकल हम बातें करेंगे अब, और हम अब आगे सिर्फ चार्ट की बात करेंगे. मैंने आपको पहले बोला if we are a positional trader we are going to apply pulse technique on monthly chart. हम आपको करके दिखाएंगे. जो लोग नहीं जानते हैं वो, हमने अपना परिचय तो नहीं दिया ना, हमने इधर बाघ मारा, इधर सीआर मारा, इधर ये किया, वो हमारा काम बताएगा. जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जलर साहब माफी चाहता हूँ, ये जेल नहीं है ना, क्या कीजिएगा, थोड़ा सुन लीजिए. ये हमारे गोयल साहब हैं, वो जेलर हैं रेवाड़ी में, डीएसपी हैं. ओके, अगर हम एक वीकली ट्रेडर हैं तो वीकली ट्रेडर हम इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे वीकली चार्ट पे. मैं जानबूझ के माइंड मैप आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका पॉइंट क्लियर हो. अगर हम एक डेली ट्रेडर हैं तो हम इस पल्स टेक्निक को अप्लाई करेंगे डेली चार्ट पे. कैसे अप्लाई करेंगे, आई एम गोइंग टू गाइड यू. And if we are a hourly trader, then we are going to apply pulse technique on 75-minute chart. And if we are a aggressive trader, so we are going to apply pulse technique on 15-minute chart. यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि स्टॉक ट्रेडिंग कितना आसान हो सकता है. नो द पल्स को आज पूरे 14 साल हो गए, इसी के उपलक्ष में हमें ट्रेडर फिस्ता कंडक्ट कर रहे हैं. हमारी कंपनी को आज पूरे 14 साल पूरे हो गए. चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं. लोग कहते हैं रवि दिस आई एम एग्री विद यू, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स यू आर गोइंग टू यूज.
सो मैं अपने पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ 3 टूल्स यूज किया हूँ, सिर्फ पूरे लाइफ स्पैन में। सर पूरा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो भी मिल जाएगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ये मैं 2050 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 एंड 50। सेकेंड वन वी आर गोइंग टू यूज ATR, हम रेंज पता करते हैं। एंड थर्ड वन वी आर गोइंग टू यूज अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल UOC। अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल की बात करते हैं। अब ये होता है कि इस टूल्स को हम अप्लाई कैसे करेंगे। सो नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है, दैट टॉपिक इज पल्स एनालिसिस, हाउ टू आइडेंटिफाई पल्स। पल्स होता क्या है, पल्स पे कैसे काम करते हैं। विश्वास कीजिए आप लोग टी ब्रेक नहीं लेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। मैं आधे घंटे बाद बोलूँगा ब्रेक ले लीजिए, तो आप बोलेंगे सर रहने दो ना, क्या जरूरत है, कंटिन्यू कीजिए। आई नो, पहले हम डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर बोलते थे 4 नंबर वाला चूरन दे दो, 4 नंबर वाली शीशी निकालो, बीमारी ठीक। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, ज़्यादा एनालिसिस कराते हैं, पता चला पैरालिसिस निकल गया। दिस इज द रियल सिनेरियो ऑफ द मार्केट। और मार्केट में प्रॉब्लम्स क्या है कि हम पल्स एनालिसिस में बोलते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट हैव टू बिकम मोर साइंटिफिक, बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। सो हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस पल्स एनालिसिस टेक्निक ऑन चार्ट। तो हम पल्स एनालिसिस टेक्निक की बात करते हैं। तीन रूल्स ब्रेक के बाद पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं। अप्लाई EMA 20 एंड 50 ऑन चार्ट। हम एक कैंडलस्टिक चार्ट लेंगे और उस कैंडलस्टिक चार्ट पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 और 50 को हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई EMA 20 एंड 50 ऑन चार्ट। सो दिस इज द चार्ट। और यहां पे हम जो भी बातें करेंगे, I am not going to recommend any broker, I am not going to recommend any software, I am not a broker, I am not an advisor. हमने ये इवेंट नो द पल्स फैमिली मेंबर के लिए किया था। टीम ने कहा सर सुबह का स्लॉट खाली है, मैंने कहा कर दो, एक और इवेंट ले लो। बोले सर 10 घंटे बोल लेंगे, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम बोल लेंगे, आप कंडक्ट कर दो। सो हियर वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस सेशन and we are going to apply everything on tradingview.com. this is a website, tradingview.com, aap sab log use karte honge tradingview. whatever we are going to apply, munish dekho internet kyun nahi chal raha, acha thoda slow hai, tradingview.com. in tradingview.com we are using only free version. for your reference you can see, ye mujhe upgrade karne ke liye bol raha hai, hum free version use karte hain. मैं आपको सब कुछ दिखा के चल रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि ये किधर से निकल गया, हमारे इधर से बिल्कुल सीधा चलेगा सब कुछ। एंड मूव ऑन चार्ट। जो लोग कहते हैं कि स्टॉक ट्रेडिंग डिफिकल्ट है, उनके लिए सिर्फ दिस इज योर चार्ट। हम चार्ट को बिल्कुल, और वी आर गोइंग टू यूज कैंडलस्टिक चार्ट। दिस इज द कैंडलस्टिक चार्ट। और कैंडल्स हमारे अकॉर्डिंग सिर्फ 2 तरीके का होता है। ये MGL का चार्ट, या तो कैंडल ग्रीन कलर में होता है या तो कैंडल सिर्फ रेड कलर में होता है। अगर आपने बहुत तरह का कैंडल पढ़ा है तो हम नहीं पढ़ पाए, हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं है, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 14 सालों का। सो कैंडल सिर्फ 2 तरीके का होता है। कैंडल्स कंटेन ओपन हाई लो एनक्लोज, ओपन हाई लो एनक्लोज मीन्स अगर कैंडल ग्रीन कलर में बना तो ओपनिंग यहाँ होगा, क्लोजिंग यहाँ होगा। और अगर हम बिजनेस की शुरुआत किए तो ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे मीन्स कैंडल रेड कलर में। ज़्यादा बहुत ज़्यादा साइंस और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना कम दिमाग लगाएंगे उतना ज़्यादा सुखी रहेंगे। सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं निफ्टी पे। दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। चाहे निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, किसी भी स्टॉक की बात करें, दिस इज द चार्ट और ये हमारा चार्ट है। सो अप्लाई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 एंड 50 ऑन चार्ट। में बार बार क्यों घूम रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे टूल्स दिखे, मेरे से माउस के कर्सर को समझिएगा कहाँ पे। टेम्पलेट्स दिख रहा है, आर यू एबल टू सी टेम्पलेट्स? यस तो बोल दीजिए, यस बोलने में पैसा नहीं लगता गोयल साहब, यस बोलने में पैसा नहीं लगता है, बोल दीजिए। और यहाँ पे अप्लाई कीजिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रिबन। तो जब मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल रिबन अप्लाई करते हैं, बहुत सारा रिबन आ गया, हमें इतना नहीं चाहिए, बहुत कम, हम बहुत शॉर्टेड हैं।
और हम सिर्फ और सिर्फ कौन कौन सा मूविंग एवरेज अप्लाई करेंगे, 20 और 50। सो सबको कट कर दीजिए, कट 40, कट 45, कट 30, कट 35, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, एंड दिस इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50। तो यहां पे आपको दिखा होगा ये हमें 20 एंड ये हमें 50, दिख रहा है सबको। अब हम दिखाते हैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, आठवां आश्चर्य कैसे काम करता है। जो लोग पहले हैं उनके लिए आठवां आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन उनको भी चार चीजें मैं नया दे के भेजूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया सर मॉर्निंग के सेशन में आना है। मैंने कहा मना तो हम कर नहीं पाते हैं, क्या करें। सो अप्लाई एम ए 20 और 50 ऑन चार्ट, अप्लाई एम ए 20 और 50 ऑन चार्ट। और हम अभी सिर्फ दो रूल्स बताएंगे, तीन रूल्स उसके बाद पढ़ाएंगे, बताएंगे पूरा, ऐसा नहीं है कि हम आधा अधूरा। सो इफ कैंडल विल क्लोज इन ग्रीन कलर, कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ कैंडल विल क्लोज इन ग्रीन कलर आफ्टर पॉजिटिव क्रॉस ओवर, यू हैव टू लुक फॉर लॉन्ग एंड यू हैव टू गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप लोगों से हमारे वर्कशॉप को पहले कौन कौन अटेंड किए हैं, एनी वन? वेबिनार अटेंड किए हैं और कोई नहीं, क्या बात है। मुझे इंडिया में अपना पैर फैलाना पड़ेगा भाई बहुत जल्दी। सर मैं अमेरिका में बहुत हाई पेइंग कोच हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे देते हैं, वहाँ के गवर्नमेंट में ट्रेनिंग देने जाता हूँ। अभी मैं IIM में ट्रेनिंग दे के आया हूँ, अभी हॉवर्ड में जा रहा हूँ ट्रेनिंग देने के लिए 4 नवंबर को। इंडिया में भी थोड़ा सा, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई ना। सो इफ कैंडल विल क्लोज इन ग्रीन, पॉजिटिव क्रॉस ओवर क्या मतलब होता है, ये मैं 20 को क्रॉस करके ये मैं 50 अगर ऊपर जाए तो उस क्रॉस ओवर को बोलते हैं पॉजिटिव क्रॉस ओवर। इफ कैंडल विल क्लोज इन ग्रीन आफ्टर पॉजिटिव क्रॉस ओवर, यू हैव टू लुक फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग इज नोन एज बाइंग। एंड इफ कैंडल विल क्लोज इन रेड आफ्टर निगेटिव क्रॉस ओवर, यू हैव टू लुक फॉर सेलिंग, बेचो और कुछ मत करो, बेचो और कुछ मत करो। लोग कहते हैं रवि आई एम नॉट सॉर्टेड आउट एट व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर आई एम, हाउ कैन आई सेल। तो मैं वापस शुरू करता हूं पर्पस। अगर पर्पस आपका क्लियर नहीं है तो नथिंग विल वर्क फॉर यू, योर पर्पस शुड बी 100% क्लियर बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट। और लोग बोलते हैं व्हाई 1 आवर इज इक्वल टू 75 मिनट्स, क्या साइंस है। सर मल्टीपल टाइम रिपीट होगा, 20 को क्रॉस करके 50 ऊपर जाएगा पॉजिटिव, और 50 को क्रॉस, 50 है ना, 50 को क्रॉस करके 20 ऊपर चला गया, 50 को क्रॉस करके 20 नीचे चला गया। आप इतना बार रिपीट करूंगा ना कि आप पक जाएंगे, क्योंकि ऐसा है नहीं कि मेरे हम पहले, देखिए इफ यू डोंट माइंड, पहले भी हम शादी करते थे औरतों से ही, अभी भी वही तरीका है, प्रोसेस कांट बी चेंज। पहले भी हम चावल और रोटी खाते थे, अभी नूडल्स बना लीजिए, मोमोज बना लीजिए, लेकिन खाना वही है। बेसिक चीजें कभी, बेसिक प्रिंसिपल्स विल नेवर चेंज। प्रिंसिपल हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं बट इट विल नेवर चेंज। आप लोग बस एक रिक्वेस्ट रहेगा, माइंड मत कीजिएगा, सिर्फ सुन लीजिएगा 1 घंटे, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। मैं अपने लाइफ स्पैन में कभी किसी को आज तक बुक रिकमेंड नहीं किया हूँ, मैंने अपने लाइफ स्पैन में मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा। हमारे घर जिनको आना आप विजिट कर सकते हैं, मैं बुक नहीं पढ़ता हूँ। वट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू डैट इज माई पर्सनल पेटेंटेड प्रोडक्ट, और इसको मैं फ्री में बांटता हूँ सबको। इसके लिए हमने क्या कहा कि हमारे पास सिर्फ स्वीट का साहब की तरफ से हम फ्री में वर्कशॉप कंडक्ट करते थे। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप लोग को मजा आएगा। पिछला बार हमारा वीडियो देखेंगे तो हमारे अतुल सिंह साहब भी थे, आज भी यही दोनों हैं। तो रवि आर कुमार को सोना चांदी पीतल नहीं है, जो जैसा हूं वैसा ही दिखूंगा। अब हम बात करते हैं, आपका एक क्वेश्चन है कि रवि एवरीथिंग इज ओके, 1 घंटा बराबर 75 मिनट क्यों, क्योंकि शुरुआत से पढ़ रहा हूं कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट, ये कौन सा पागलपन थी तुमने अप्लाई कर दिया, वाई आर यू ओके, सुबह सुबह लिटिल लिटिल तो नहीं हो गया। मैंने कहा नो एवरीथिंग इज ऑल राइट, बिकॉज देर इज अ साइंस बिहाइंड स्टॉक ट्रेडिंग। गोयल साहब ये स्टाइल है, क्या करें, स्टाइल चेंज नहीं कर सकते ना, प्रिंसिपल कांट, जो हमारा जो स्टाइल वो हम चेंज नहीं कर सकते। हमारा बाजार खुलता है 9:15 में और क्लोज होता है 3:30 में। हमारा बाजार
9:15 में खुलता है, 3:30 में क्लोज होता है, तो कितना हो गया 375 मिनट। और 375 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 6 आवर एंड 15 मिनट। 6 आवर एंड 15 मिनट इसको मींस 6 इक्वल कैंडल और एक कैंडल की वैल्यू छोटू 15 मिनट का, तो जब कैंडल इक्वल नहीं बना तो वैल्यू कहां से इक्वल आएगा। सो 375 डिवाइडेड बाय 75 इक्वल टू 5 इक्वल कैंडल। 1 डे इक्वल टू 5 आवर, 1 वीक इक्वल टू 5 डे, एंड 1 मंथ इक्वल टू 4.5 और 5 वीक्स। सो हम ये साइंस अप्लाई करते हैं। अब हम चलते हैं आगे। आपने कहा था कि हम सर कर लेंगे, हमारा काम आप कर पाते हैं। हमने पहला रूल सप्लाई किया। आप कहेंगे जी ये देखिए डी दिखेगा, जो ब्लू दिखेगा वो हमारा चार्ट का टाइप होगा, ठीक है। तो ये हमारा डेली चार्ट है निफ्टी का, दिख रहा है सबको। और निफ्टी के डेली चार्ट में हमने पहला रूल्स क्या बताया, ईएमए 20 अगर ईएमए 50 को क्रॉस करता है और कैंडल अगर ग्रीन कलर में क्लोज होता है तो मार्केट हमारा, लोग कहते हैं सारा स्टॉक ऊपर जा रहा है, मैं 100 स्टॉक दूंगा जो कि नीचे जा रहा है, निफ्टी का स्टॉक नीचे जा रहा है। तो ये मैं 20 या 50 को क्रॉस करेगा और कैंडल ग्रीन कलर में होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। एंड लॉकडाउन 24th of March को इम्पोज हुआ, एंड ये मैं 20 विल क्रॉस ये 50 एंड कैंडल विल क्लोज इन टू रेड कलर, सो मार्केट विल गो डाउन। ये डेली चार्ट था। आप निफ्टी की बात करें, ब्लू कलर 20 है, कहें तो और थिकनेस में बढ़ा देता हूँ इसकी थिकनेस में और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इज इट विजिबल टू एवरीवन, करेक्ट सर, विजिबल है। यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ ना सर, कैंडल रेड कलर में आया ना, मार्केट नीचे जाएगा तय है। मैं भी आपको 100 नहीं 1000 एग्जाम्पल दिखाऊंगा, बस आप लोग को भी एग्जाम्पल्स बहुत सारा कुछ सिखा के भेजूंगा। जरूरी नहीं है कि जो भी लोग इस दुनिया में विनर बने हैं ना, उनके पास एक छोटा सा सेट ऑफ रूल्स है। यू नो व्हाट इज द सेट ऑफ रूल्स दे डू हैव। पहला सेट ऑफ रूल्स उनके पास ये है कि जब भी वो किसी भी चीज़ों की बात करते हैं तो वो 10,000 तरह की चीज़ों की बात नहीं करते, झोला छाप डॉक्टर नहीं होते, वो स्पेशलिस्ट होते हैं। यू हैव टू बिकम अ स्पेशलिस्ट इफ यू वांट टू बिकम 100% सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ आना चाहिए, मैं 2050 RSI बोलिंजर बैंड ये बैंड वो बैंड फलां ढिमका, नो। यू हैव टू लर्न ओनली वन आर्ट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दैट आर्ट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 10 टाइम्स मल्टीपल टाइम्स, और तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। लोग कहते हैं कि व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ ईएमए 20 एंड 50। मैंने कहा मैं 14 साल से यूज कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो देख लो, करोड़ों बना दिए। ऑथेंटिसिटी वहाँ पे है, हम ब्रोकर तो है नहीं कि हमको अच्छा जी मेरे यहाँ अकाउंट खुलवा लेना। हमने जितने लोगों को ट्रेंड किया, मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूँ, मैंने अपने जीवन में जो भी कमाई की है बच्चे जानते हैं, 90% संपत्ति का को हमने डोनेट कर दिया है। ये लोग सब वाकिफ हैं, प्रशांत वगैरह कई यहाँ यहीं पे कई साल पहले मिलो प्रशांत, तो ये लोग सब वाकिफ हैं। सो इफ ये 20 विल क्रॉस ये 50 चेंज इट इफ ये 20 विल क्रॉस ये 50 एंड कैंडल विल क्लोज इन टू रेड कलर मार्केट विल गो डाउन। चाहे आप 10 मिनट पे अप्लाई करो, चाहे आप 15 मिनट पे अप्लाई करो, निफ्टी का चार्ट है, सिर्फ 15 मिनट पे आपको कमाल दिखाता हूँ मैं। और मैं बताता हूँ कि मार्केट में सारे कमाल यहीं पे होते हैं। सर मार्केट में सारे कमाल यहीं पे होते हैं, सिर्फ 15 मिनट का चार्ट है सर, सिर्फ ओनली 15 मिनट चार्ट। ये मैं 20 नेगेटिव क्रॉसओवर कैंडल रेड, 15 मिनट के चार्ट में बच्चे की जान लोगे क्या? सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पे फ्रॉम 17,838 तो प्राइस वेंट अप टू 17,400। सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पे नेगेटिव क्रॉसओवर के बाद प्राइस 450 पॉइंट टूट गया। आपको एक नहीं 100 एग्जांपल्स में लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ, 100 एग्जांपल्स। सर आप एक और सुन लीजिए ना मेरी, हम Q&A सेशन देंगे, पूरा देंगे आपको हम। इज इट पॉजिटिव क्रॉसओवर नेगेटिव क्रॉसओवर,
कैंडल इज इनटू रेड कलर राइट ग्रीन कलर तो क्या होना था ऊपर जाना था नीचे आना था 15 मिनट के चार्ट पे 300-400 पॉइंट बड़ा इजली आप कमा सकते हैं सिर्फ 15 मिनट के चार्ट पे। और ये तो मैं भी इसमें बहुत कुछ अभी मिर्च मसाला लगाऊंगा तड़का लगाऊंगा इसमें और भी बहुत जगह अप्लाई कीजिए। इज दिस पॉजिटिव क्रॉस ओवर और निगेटिव क्रॉस ओवर, ये जो आपने देखा ना क्रॉस ओवर हो नहीं पाया तो इसका रूल नंबर 4th है, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा टी ब्रेक के बाद। ये मैं 20 एंड 50 को क्रॉस किया और कैंडल हमारा क्लोज हुआ तो मार्केट सिर्फ 15 मिनट का चार्ट, कोई डेली चार्ट नहीं, कोई वीकली चार्ट नहीं, कोई मंथली चार्ट नहीं, हम किसी और चार्ट का उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं। नींद आ रही है क्या? नहीं आ रही है तो किन्हीं को बताइए, ताली बजवाते हैं। आप लोग को पता नहीं है, ये लड़का मेरे वर्कशॉप को अटेंड किया है प्रशांत, हम 12-12 घंटे 16-16 घंटे बिना थके बिना हारे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का एनर्जी बोलेगा, मेरा एनर्जी कभी नहीं बोलेगा, बिकॉज आज तक मेरे जीवन में ऐसा हुआ नहीं कि हम उगता हुआ सूर्य ना देखे हों। हम गोयल साहब के साथ थे अभी देहरादून में तो ये लोग सोए 2:30 बजे, 2-2:30 बजे सोए होंगे गोयल साहब, और 4 बजे में उठ के तैयार था बोले, और फिर दिन भर खन खन। नाउ दिस इज द चार्ट ऑफ यस बैंक, दिस इज द चार्ट ऑफ यस बैंक, और यस बैंक के चार्ट में हम आपको दिखाते हैं कि हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। हम आपको क्रिप्टो में भी दिखाएंगे, करेंसी में भी दिखाएंगे, सब जगह दिखाएंगे। जी जी पूछिए ना सर। हाँ किसी में अप्लाई करो सर, वॉट एवर स्टॉक डू यू हैव, वॉट एवर फ्यूचर ऑप्शन करेंसी कमोडिटी, किसी में अप्लाई करो, सब में अप्लाई करके दिखाऊंगा तो समझ दीजिए ना। ये हमारा यस बैंक का चार्ट है, वीकली चार्ट है। ये कौन सा क्रॉसओवर है, कैंडल किस में था, प्राइस कितना था 74, डेट क्या था, डेट था हमारा 21st अप्रैल 2014, करेक्ट। एनी क्वेश्चन ऑफ सर, थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा एक मिनट, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, दुनिया के हर मर्ज की दवा है सर, मैं क्लियर कर देता हूँ ना, इज इट क्लियर ना सर, बता दो बेटर है ना। सर आपका शुभ नाम सुनील जी, आप मुझे नहीं जानते हैं, मेरे डिक्शनरी में 9 शब्द बना ही नहीं आज तक सर, मेरे डिक्शनरी में ना शब्द बना ही नहीं, असंभव कुछ है ही नहीं, आज तक मेरे डिक्शनरी में नहीं बना। यस बैंक का चार्ट, पॉजिटिव क्रॉसओवर, कैंडल क्लोज इनटू ग्रीन कलर एंड फ्रॉम द दिस प्राइस यस बैंक स्टार्टेड गोइंग अप। इसलिए मैंने कहा था पीछे बैठेंगे तो ज्यादा रेजोल्यूशन क्लियर होगा, बालकोनी सीट। यस अभी अभी इंट्री एग्जिट बताएंगे सर, ये जो क्लोज जहां पे हुआ ना सर, बिकली में एक आगे पे एक पीछे लेते हैं चलेगा। मैं बताता हूँ, अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कब किसमें एंट्री लेना है किसमें नहीं लेना है, सिर्फ आपको अभी मोमेंटम बता रहा हूँ, मैं आपको अभी सेट्स नहीं बता रहा, स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट साइजिंग नहीं बता रहा, सिर्फ मोमेंटम बता रहा हूँ, मोमेंटम 4 घंटा है, अभी तो सर 30 मिनट भी नहीं हुए हैं। सो दिस इज द प्राइस एट 328 एंड ये में 20 क्रॉस, ये में 50 एंड कैंडल वाज इनटू रेड कलर, तो लोगों को लगा कि भाई अब तो यस बैंक में खरीदने का मौका आ गया है, चलो जी, एंड पीपल आर स्टार्टेड बाइंग इनटू यस बैंक फ्रॉम दिस प्राइस पॉइंट, 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 फाइनली यस बैंक इज एट 13 रुपीज। मार्केट की गलती थी कि हमारी गलती है? यस बैंक को छोड़िए, आप लोग को लगता है कि यस बैंक के पीछे पड़े होते रवि भाई। दिस इज चार्ट ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का चार्ट है और इसमें मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यू विल बी कम्प्लीटली सरप्राइज, अभी मैं सबको इंडियन आईओसी में कमा के दिया हूँ।
हाँ अभी दिया हूँ कमा के, ये मैं 20 क्रॉस्ड, ये मैं 50 एंड कैंडल क्लोज्ड इनटू क्या करना था, लॉन्ग लॉन्ग का प्लान करना था ना, अभी बाय नहीं करना था, अभी सिर्फ प्लान करना था। मीन्स अभी अगर आप शॉर्ट के लिए वीकली ट्रेड में सोचते हैं तो पाप है, ठीक है। तो यू हैव टू गो फॉर ओनली बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड आफ्टर दैट यू विल लुक फॉर कि मैं 20 क्रॉस टू 50 एंड कैंडल क्लोज इनटू ग्रीन कलर, सो मार्केट स्टार्ट गोइंग अप, मार्केट बेंट अप टू 232। लेकिन जब ये मैं 20 ने ये 50 को क्रॉस किया और कैंडल हमारा वन मिनट सा, थोड़ा सा इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, कैंडल हमारा रेड कलर में बना, सो व्हाट एग्जैक्टली वी हैड टू डू। सो फ्रॉम हेयर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन केम अप टू यहाँ तक भी आया। हम कोविड को बदनाम करते हैं, कोविड से पहले ही कांड हो गया, एंड दिस थिंग हैपन ऑन द डेट ऑफ 19th March 2018। और इसके बाद अभी जितना पोर्टफोलियो है ना, आप बोलेंगे कि अभी मैं बताऊंगा, आप बोलेंगे अगर संडे नहीं होता तो आज ही भेज देते हैं, वही अभी बताऊंगा तरीका। अगेन ये मैं 20 क्रॉस, ये मैं 50 एंड कैंडल क्लोज इन टू सीधा मैजिक, इज इट इंटरेस्टिंग। यू कांट बिकम 100% सक्सेसफुल ट्रेडर विद द हेल्प ऑफ मैजिक, यू विल हैव टू फॉलो लॉजिक। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ट्रेड, राहुल जी नमस्कार, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग के पीछे क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को हम कैसे फॉलो करते हैं और उस लॉजिक को हम कैसे मानेंगे। सामने एग्जाम्पल है ना, रिसेंट एग्जाम्पल, दिस इज द लास्ट क्लोज कैंडल फ्रॉम हेयर टू हेयर, नाउ मजा नहीं आया, थोड़ा बहुत आ रहा है तो थोड़ा बहुत ताली बजा दीजिए। सर क्वेश्चन आंसर का एक घंटा अलग से रखेंगे, अच्छा रहेगा ना, आप लिखते रहिए ना, क्वेश्चन आंसर का एक घंटा अलग से रखेंगे, लिखते रहिए आप, ये तो खैर छोटा मीटिंग है, हम तो पूरा ताल कटोरा का तैयारी कर रहे हैं अभी। यू विल बी सरप्राइज, अभी हम जो मीटिंग करके आए दुबई में हमारे पास 490 IIM के एलुमनी थे वहाँ पे, और हमने चेयरमैन को किसी बोला सर क्वेश्चन बाद में, उन्होंने कहा कि यू हैव ओनली 30 मिनट्स टू स्पीक, और जब हम बोलना शुरू किए 30 मिनट्स बाद तो क्या एमसनी डन, तो बोलते सर मैं कंटिन्यू, और मैंने 5 घंटे 40 मिनट का टाइम लिया IIM की, मैं बात बता रहा हूँ अभी 20th of August में। सो दिस इज IOC। अब मैं आपको दो चार चार्ट और दिखाता हूँ, किसी भी स्टॉक पे आप अप्लाई करें, दिस इज द चार्ट ऑफ क्रूड ऑयल, चाहे WTI क्रूड ऑयल अप्लाई कीजिए, इंडियन को जहां अप्लाई करना वहां अप्लाई कीजिए, एक क्रूड ऑयल का चार्ट है। डेली अप्लाई करना है डेली अप्लाई कीजिए, वीकली चार्ट पे अप्लाई करना है वीकली चार्ट पे अप्लाई कीजिए, मंथली चार्ट पे अप्लाई करना जहां आपकी इच्छा वहां पे आप क्रूड ऑयल के चार्ट पे आप इसे अप्लाई कीजिए। मंथली चार्ट है हमारा क्रूड ऑयल का, यह हमारा वीकली चार्ट है, जिस चार्ट पे आपको इच्छा करे सारे चार्ट पे काम करता है। सो दिस इज द चार्ट ऑफ WTI क्रूड ऑयल। लोग कहते हैं दिस द ईयर, और इन दिस ईयर ये मैं 20 हेड क्रॉस 50 एंड निगेटिव क्रॉस ओवर हुआ था क्रूड ऑयल का, $103 पर बैरल प्राइस था एंड कैंडल वाज इनटू रेड कलर, एंड आफ्टर दैट आज तक क्रूड ऑयल वापस उस प्राइस में नहीं आया, बिकॉज आफ्टर निगेटिव क्रॉस ओवर कैंडल वाज इनटू रेड कलर। क्रूड ऑयल का अभी मैं दिखाता हूँ, ये जो क्रॉस है ना इसको मैं समझाऊंगा, अभी 3 रूल्स बाकी है। पॉजिटिव क्रॉस ओवर, कैंडल क्लोज इन टू ग्रीन कलर, मार्केट बेंट अप, अभी का दिखाता हूँ मैं आपको, दिस इज अगेन पॉजिटिव क्रॉस ओवर एंड कैंडल, तो ऑलरेडी मार्केट 100% फॉलो करता है पॉजिटिव क्रॉस ओवर निगेटिव क्रॉस ओवर को। एक न्यूज में हमेशा बताता हूँ और उस न्यूज का नाम है, गूगल पे मैं एक न्यूज डालिए, एंड दिस न्यूज इज अबाउट VG Siddhartha, ही वॉज द ऑनर ऑफ कॉफी डे एंटरप्राइजेज।
तो लोगों ने कहा कॉफी डे का प्राइस क्यों गिरा। सो ये डेट क्या दिख रहा है सर, कुछ दिख रहा है आप लोगों को दूर से? 29 जुलाई 2019 ही कमिटेड सुसाइड। तो इससे पहले फोन आ गया था, रवि भाई तुम निकल जाओ नहीं तो हम निकल लेंगे, तुम निकल जाओ नहीं तो हम निकल लेंगे। हमने कहा ये क्या बात हुई, तुम निकल जाओ नहीं तो हम निकल लेंगे। सो दिस इज द चार्ट ऑफ कॉफी डे इंटरप्राइजेस, दिस इज द चार्ट ऑफ कॉफी डे इंटरप्राइजेस लिमिटेड। और कॉफी डे इंटरप्राइजेस लिमिटेड का डेली चार्ट लेते हैं, छोड़िए वीकली तो बहुत उतना बड़ा नहीं देख पाएंगे। वेलकम चावला साहब। और ये हमारा चार्ट है कॉफी डे इंटरप्राइजेस का, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं 20, ये डेट था हमारा 29 जुलाई 2019। इसके बाद इसकी कहानी बन गई। ये दिख रहा है रेड कैंडल गोयल साहब? तो इस कैंडल के पहले 29 जुलाई 2019, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने बताया है। तो इसके पहले उनका फ़ोन आया था, रवि भाई तुम निकल लो नहीं तो हम निकल लेंगे। सो इसके पहले ये मैं 20 had given a negative crossover and candle closed into red color. यहाँ से नीचे 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 नीचे, फिर भी हम नहीं मान रहे हैं बिकॉज हम एवरेजिंग पे भरोसा करते हैं। हम भरोसा करते हैं बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू एग्जिट। दिस इज द डेट, 290 से प्राइस 190 का आ गया, फिर भी हम एवरेजिंग करके वहाँ पे बैठे हुए हैं। And now have a look. Rome was not built in a day, but Hiroshima and Nagasaki were destroyed in a single day. Hiroshima Nagasaki में आग लग चुका है, देखिए बचा लीजिए। So this is a lot of examples जो कि ये बताता है कि market में logic चलता है, market में magic नहीं चलता है। दिस इज ए ट्रिलियन डॉलर मार्केट, और ट्रिलियन डॉलर मार्केट में डोंट ट्राई टू कंट्रोल दिस मार्केट विद योर फ्यू हंड्रेड रुपीज और फ्यू हंड्रेड डॉलर्स। अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो आप गलत जगह पे हैं। मैं भी धीरे धीरे समा बांध रहा हूँ, धीरे धीरे हम समा बांधेंगे अभी, ठीक है। इस कंपनी का नाम आप लोग जानते हैं? कोई नहीं जानते। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आप हमें कहीं हम गरजते रहेंगे, चुपचाप मत रहिए, हल्ला करने से कुछ मिलेगा। क्वेश्चन मत पूछिए, हल्ला तो कर सकते हैं ना, शैतान बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हम लोग बचपन क्या करते हैं, मैम गो बैक टू योर स्कूल डेज गोयल साहब, याद कीजिए। क्या चावला साहब, हम भी करते थे ना। हाँ, DHFL का चार्ट है, नेगेटिव क्रॉसओवर, कैंडल बाज इनटू डेली चार्ट, सिर्फ डेली चार्ट है ये, डी फॉर डेली, नेगेटिव क्रॉसओवर, कैंडल बाज इनटू रेड कलर। इसके बाद भी मार्केट नीचे गिरा, और आप देखें मार्केट 623 से 200 समथिंग पे आया, फिर भी यहाँ पे कुछ लोग खरीद रहे थे। एक ग्रीन कैंडल कौन बनाया, सब किसी को लगा हम एवरेज करते हैं। मैं आपको पूरा एवरेजिंग का साइंस बताऊंगा। फिर नीचे गया, और लोग ये ग्रीन कैंडल कौन बना रहा है? हु इज स्टिल बाइंग व्हेन पल्स इज नेगेटिव एंड ट्रेंड इज डाउन? हु इज स्टिल बाइंग व्हेन पल्स इज नेगेटिव एंड ट्रेंड इज डाउन? पी फॉर पगला, पी फॉर पब्लिक कॉन्सेप्ट है, अभी समझाऊंगा। पगले बाई करते हैं, कि पगले नहीं होंगे तो हम समझदार कैसे बन सकते? तो पगले का होना मार्केट में बहुत जरूरी है। सो दिस इज इट इंटरेस्टिंग, ताली बजा दीजिए। देखिए सोनी भाई ने सबसे अच्छा ताली बजाया, वंडरफुल सोनी भाई, थैंक यू। चलिए आगे शुरू करते हैं। विनीत भाई स्मार्ट लग रहे हो आजकल। क्या बात है। आगे शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट वन था, अब हम पार्ट टू की बात करते हैं।90% of traders lose their entire capital because they don't know whom to marry.
किससे शादी करें, किस स्टॉक में ट्रेड करें, किस स्टॉक में निवेश करें। हम जब बाजार में जाते हैं ना, तो हमारे पास एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अरे सस्ता क्या है? वी डोंट लुक फॉर क्वालिटी स्टॉक्स, वी ऑलवेज लुक फॉर चीप स्टॉक। सस्ता क्या है, महंगा क्या है? मैं आपको अब एक मैजिक दिखाने जा रहा हूँ, और मैजिक में आप लोग करेंगे वाह मजा आ गया, तो मैं बोलूँगा पर्पस भी वही था। देखिए हमारे सेशन में एक छोटी सी, हमारे सेशन की एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है, कोई बताएंगे? सर आप बताएंगे? चेहरे पे बदमाशों वाली मुस्कान होनी चाहिए, और वो मिसिंग है। तो कोई प्रॉब्लम है क्या? ट्रेड नहीं, नहीं मास्क उतार लीजिए ना सर, कौन आ रहे हैं? सर दे देंगे नहीं तो वो तो, ये तो सिंह साहब अतुल को बोलो 2 लाख रुपए दे देंगे। मैनेजमेंट भी बैठी हुई है, देखिए आईएससी मैनेजमेंट बैठे हुए, वो आईएससी मैनेजमेंट से जुल्फिकार साहब, तो टेंशन मत लीजिए। अब देखिए अगर व्यापारी के चेहरे पे मुस्कान नहीं है तो व्यापार आप मत कीजिए, और ये कोई स्टॉक ट्रेडिंग नहीं, यू आर नॉट अ डीमैट अकाउंट ऑपरेटर, आप एक व्यापारी हैं। यू विल हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। बता है आप, आपको लगता है कि चलो कुछ खेलते हैं, हम लोग किस बिहाफ पे ट्रेड करते हैं कि चलो हम लोग, वी आर नॉट अटैच्ड टू दैट ट्रेडिंग। हम कभी भी मेरे चेहरे की मुस्कान आज तक किसी ने उड़ी हुई नहीं देखी हुई, कभी नहीं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमारे किसी भी ट्रेडर का मुस्कान नहीं कभी जाता है। मुस्कान अगर चला गया चेहरे का, हंसी चला गया, तो बिजनेस क्यों कर रहे हैं? नौकरी कर लीजिए, नौकरी में भी तो बॉस लगा के रखते हैं ना तो फिर बिजनेस करने का कोई फायदा है नहीं। दिस इज द चार्ट, दिस इज द चार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, दिस इज द चार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का चार्ट है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चार्ट पे, दिस इज द चार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चार्ट पे लास्ट पॉजिटिव क्रॉसओवर, मोदी जी आए थे ना यहाँ पे लोग बोलते हैं हम तो अभी मैं खुल ऐसी ऐसी बातें करूंगा ना कि आप लोग, उसके बाद भाई साहब ऊपर ही जा रहे हैं कि पॉजिटिव क्रॉसओवर था ना। लेकिन आप बोलेंगे कि जी एक बात बताइए रवि भाई, रिलायंस इंफ्रा क्यों नहीं गया? रेल सर हम तो उतने पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, हम बड़े बड़े सीधे सपट्टे भाषा में बात करते हैं। 1000 पे नेगेटिव क्रॉसओवर था, कैंडल रेड कलर में था, नीचे जाएगा। ज़्यादा साइंस हम नहीं अप्लाई करते हैं, क्योंकि एज ए बिजनेसमैन हमारा सिर्फ एक काम है, छोटू ये सामान निकाल दो, छोटू हम सिर्फ ऑर्डर देते हैं, हम इनसे अटैच नहीं हैं। सो रिलायंस में नेगेटिव क्रॉसओवर था, नीचे गया। रिलायंस इंडस्ट्री में पॉजिटिव क्रॉसओवर था, प्राइस ऊपर गया, सिंपल। अब हम बात करते हैं कि दुल्हनिया कैसे ढूंढेंगे, मीन्स हाउ टू क्रिएट वॉच लिस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉच लिस्ट कैसे बनाना है? आवाज़ थोड़ी धीरे है क्या? तब थोड़ा आवाज़ बढ़ा दीजिएगा क्या ना, आप बताइए ना, हम बढ़ाते हैं और भी। सो हाउ टू क्रिएट वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करना है? सो वॉच लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले NSE इंडिया, अभी इसको ब्रेक के बाद ये टॉपिक बताएंगे हम, कि हम कभी भी भाव कॉपी से बाहर ट्रेड नहीं करते हैं। वी नेवर ट्रेड बियॉन्ड भाव कॉपी, भाव कॉपी के बाहर हम कभी भी धंधा नहीं करते हैं। व्हाट इज भाव कॉपी, और ये भाव कॉपी काम कैसे करता है, भाव कॉपी के पीछे की थ्योरी क्या है, भाव कॉपी को हम कैसे समझते हैं? और हम कभी भी उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करते हैं जिस स्टॉक की वैल्यू 100 रुपये से नीचे हो। हम कभी भी उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करते हैं जिस स्टॉक की वैल्यू 4000 से ऊपर हो, और हम कभी भी उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करते हैं जिसने अपना पहला 3 साल पूरा ना किया हो, और हम कभी भी उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करते हैं जो कि IPO और FPO में आ रहा हो। अरे बच्चा पैदा नहीं हुआ, हम पहले से डिनर पिटवा दिए जी,
उसके लिए लड़की ढूंढ दो, ये करो वो करो, अरे पहले पैदा होने दो, चलने दो, 3 साल का समय दो उसको। हम सबसे गलती क्या करते हैं, और इसके साथ साथ हम एक और काम क्या करते हैं कि अगर हु इज कंट्रोलिंग द मार्केट, डेफिनेटली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज कंट्रोलिंग द मार्केट। सो जब FIIDI की बात करते हैं, अगर किसी स्टॉक में 25% से कम, 25% से कम FII और DII अवेलेबल हैं, तो हम उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करेंगे। 25% से कम FIIDI वाले स्टॉक में हम कभी भी किसी सूरत में इंटर नहीं करेंगे। और अगर किसी स्टॉक में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर या यूरो पैसिफिक नहीं होगी, हम उसमें कभी किसी, आप बोलते हैं ना, अच्छा प्लॉट खरीदना है, कहाँ खरीदना है, तो चक्षु में, जयपुर में, तो वहाँ पे और कौन कौन खरीदा, तो मिल्खा सिंह खरीदा, कौन कौन सिंह खरीदा, तो आप लोग भी जाते हैं, फंसते हैं, ट्रैप देखते हैं, भाई यहाँ पे और कौन कौन इन्वेस्टर आया। अच्छा आपको मैं बोलूँ कि डिग्रिंटन में प्लॉट खरीदना है, तो आपको जगह का नाम नहीं पता। आपको मैं बोलूँ कि अच्छा यमुना में प्लॉट खरीदना है सर, तो आप बोलेंगे कि अच्छा वो जो है ना बगल वाला प्लॉट, वहाँ पे अभी मोदी जी अपना घर बना रहे हैं, तो आप एक ऑथेंटिसिटी के साथ जाते हो। तो हम तब तक किसी स्टॉक में नहीं जाते हैं जब तक वहाँ पे ये बड़े भाई साहब या ये भाई साहब ना हो। सो हाउ टू चेक इट, हम कभी भी न्यूज़ नहीं देखते हैं, इवेंट्स नहीं देखते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन नहीं देखते हैं। न्यूज इवेंट सिर्फ और सिर्फ P4 पगलों के लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना, और हम इसको प्रूफ करेंगे। हम आपको एक वेबसाइट और बता रहे हैं, screener.in। सब कुछ फ्री है, हवा पानी और प्रकाश फ्री है। आपने इज्जत नहीं किया हवा का तो खरीदना पड़ा, 3 दिन खरीदना पड़ा, पसीने छूट गए। फ्री में अवेलेबल है, उसको तो आप यूज कर नहीं रहे हैं। पानी मिल रहा है तो आप लोग लाल पानी खरीद के पी रहे हैं, हंसी है मत राजकुमार जी क्या बोल रहे भाई साहब अच्छा अब मैं आपको मार्केट की डेप्थ बताता हूँ। इस पे चलने से पहले गूगल पे चलिए, और यहां पे चलिए एक पॉइंट सर्च कीजिए, वर्ल्ड इक्विटी मार्केट कैप। वन मोर इन्फॉर्मेशन, जो नो द पल्स के फैमिली मेंबर हैं, हमारा आफ्टरनून में फर्स्ट लेसन प्रोग्राम है, तो अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो एक बार किरणाल से बात कर लीजिएगा। सो हमें ऐसा लगता है कि हम जब मार्केट में आते हैं तो हम मार्केट में हम जहाँ पे एंट्री करते हैं वहीं से मार्केट नीचे चला जाता है। तो टोटल मार्केट की वैल्यू कितनी है, तो मार्केट की वैल्यू जो है 95 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। टोटल इक्विटी मार्केट, सिर्फ इक्विटी मार्केट की बात करें, 95 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का हमारा बाजार है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो 10,000 रुपये लगाए ना वहीं से मार्केट घूमता है। हाँ ऐसा लगता है। अभी मैं सारे मिथ को तोड़ूंगा, देखिए तो वेट तो कीजिए, सारे मिथ को तोड़ूंगा। सो 95 ट्रिलियन डॉलर का जो मार्केट है, इसका 55% सिर्फ अमेरिका में है, जो द पुअरेस्ट कंट्री ऑन दिस प्लैनेट, सिर्फ वो कंट्रोल करते हैं 55%, पुअरेस्ट कंट्री ऑन दिस प्लैनेट, क्योंकि वो सब पगले हैं, वो स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, पी फॉर पगले। और जापान इतनी छोटी सी कंट्री, हम साउथ दिल्ली वाले चले जाएं तो लेके आ जाएंगे, और ये 8%। इंडिया, वी आर ओनली 1%, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, बहुत जल्दी नंबर 1 पे आ जाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग में अभी भी सिर्फ 1%। क्यों? बिकॉज अभी भी हम ये मानते हैं कि ट्रेडिंग एक जुआ है, ट्रेडिंग पे भरोसा नहीं है। अगर ट्रेडिंग एक जुआ है तो ट्रेडिंग क्या है? स्क्रीनर पे जाने से पहले मैं इस पॉइंट को 100% कंक्लूड करता हूँ, और मैं एक वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। दिस इज द वेबसाइट niftyindices.com। This is the website niftyindices.com. यह है हमारे हनुमान,
हनुमान के बिना राम की इज्जत कहाँ थी माथुर साहब। ओके, तो मार्केट डेटा की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो निफ्टी 50 की बात करते हैं, निफ्टी 50 है क्या, पहले से समझते हैं। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड निफ्टी 50, तो यहाँ पे आप देखेंगे, भाई खुल जाओ, इतना समय लगाओगे काम चलेगा। सो द निफ्टी 50 इज वेल डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक्स इन द इंडेक्स एंड इट रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर में ये 50 कंपनी आपके घर में है, तो यू आर कंज्यूमिंग द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ दिस 50 कंपनी। और हमारे इंडिया का जो इकोनॉमी का वैल्यू है, दैट इज 2.42 ट्रिलियन, और सिर्फ इन 50 कंपनी की वैल्यू हमारे इकोनॉमी में कितना है, 2.06 ट्रिलियन। मतलब यही 50 लोग हमारे देश को चला रहे हैं। कौन कौन है 50 लोग? तो हमारा मार्केट इस तरह से बनता है, फाइनेंशियल, आईटी, कंज्यूमर, ऑटोमोबाइल्स। तो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, जो नोद पल्स वाले नहीं बोलेंगे, सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? HDFC, क्या बात है, SBI, HDFC, कोई SBI, कोई HDFC, ये तो गलत हो गया, चलिए ठीक है दोनों। अच्छा, द सेकेंड क्वेश्चन इज, सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी कौन सी है? ONGC और रिलायंस, और बोलिए ना, कुछ भी बोलिए, यहाँ कोई परीक्षा नहीं हो रहा। IOCL, इंडियन ऑयल, और BPCL। प्रॉब्लम है ना हमारे साथ कि हमें पता ही नहीं है मार्केट के बारे में। SBI इज द स्मॉलेस्ट बैंक इन आवर इंडियन इकोनॉमी, स्मॉलेस्ट वन। आप बोलेंगे ये कैसे हो गया निफ्टी के अकॉर्डिंग? नहीं सर, मार्केट कैप। SBI के पास बैंक अकाउंट्स ज्यादा हैं, नंबर ऑफ बैंक अकाउंट ज्यादा हैं, उस और वैल्यूएशन कम है। हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि अगर SBI ऊपर गया तो पूरा मार्केट ऊपर जाएगा। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट IOC, द लार्जेस्ट बैंक इन आवर इंडियन इकोनॉमी इन केस ऑफ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, तो पहले इंडस्ट्री को समझिए ना, आप डायरेक्ट पैसा कैसे निवेश कर सकते हैं? भैया तुम ऊपर आ जाओ। देखिए ऑयल एंड गैस, तो ऑयल एंड गैस में और IOC 0. हमें लगता है कि अगर IOC ऊपर गया तो मार्केट ऊपर जाएगा। हम किसको फॉलो करते हैं? अरे निफ्टी चला गया रे, किसी से मुलो, अरे अभी भाई बहुत पैसा कमा ले, बताओ निफ्टी कहाँ जाएगा? हमने कहा वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर, वी आर नॉट हेयर टू प्रिडिक्ट द मार्केट। निफ्टी अगर 100, श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर, BHEL भारत, सारे नवरत्न आ रहे हैं, क्या बात है, पहली बार आए हैं ना? कहाँ से? भोपाल से, क्या बात है, भोपाल इंदौर बड़ा बदनाम है। तो मध्य प्रदेश बोलते ज्यादा अच्छा लगता। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? क्या बोले? फर्जी कॉल उधर से आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट में हमें समझना है कि वी डोंट हैव टू फॉलो कि निफ्टी क्या कर रही है, बैंक निफ्टी क्या कर रही है। एज अ बिजनेस मैन आवर जॉब इज नॉट टू प्रिडिक्ट द मार्केट, आवर जॉब इज टू गो विद द ट्रेंड। मार्केट ऊपर जा रहा है, चलेंगे साथ में, मार्केट नीचे जा रहा है, साथ में चलेंगे, मार्केट जिधर जा रहा है हम धीरे धीरे स्लोली स्लोली मार्केट के साथ हम बढ़ते रहेंगे। तो हम चलते हैं स्क्रीनर पे। तो इस स्क्रीनर पे सबसे पहली कंपनी, द लार्जेस्ट कंपनी, ये पार्ट आप लोगों का कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी सुनिए, राम कहानी का मजा अपना अलग है। एच डी एफ सी बैंक को सबसे बड़ी कंपनी क्यों बनाया गया, वाई? तो अगर आप HDFC बैंक के चार्ट को खोलेंगे, दिस इज द चार्ट ऑफ HDFC बैंक लिमिटेड। ये HDFC बैंक लिमिटेड का चार्ट है, एक मिनट का समय दीजिए। हाँ,
HDFC Bank Limited is performing better than another bank. Perform कर रहा है ना बेहतर? HDFC Bank का pulse positive ही है, ऊपर ही जा रहा है, ठीक है? Is it okay? तो when HDFC is performing better, तो screener पे जाइए और खोलिए यहाँ पे HDFC Bank Limited. So it should be above than 100. तो पप्पू पास हो गया, 100 से ऊपर है. पहला फेस पास. इज दिस अ पार्ट ऑफ निफ्टी? यस. गोयल साहब बड़े बोर हो रहे हो. अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं. हम देखते हैं कि यहाँ पे और किसने किसने प्लॉट खरीद रखा है जी, तभी तो हम जयपुर में बेचेंगे. यहाँ पे देखिए, किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स होते हैं जो कि कंपनी को चलाते हैं. FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और यहाँ पे आपके पी फॉर पब्लिक, पी फॉर पगला और गवर्नमेंट का पार्ट होता है. तो कभी भी FII और DII मिला के 25% से ज़्यादा ही होना चाहिए. अगर ये ज़्यादा हो गए, प्रमोटर ज़्यादा हो गए, तो आपको चलने नहीं देंगे. प्रमोटर्स ज़्यादा हो गए तो आपको कभी चलने नहीं देंगे. बिकॉज रिलायंस का शेयर किनके किनके पास है? तो मैं मुकेश भाई के पार्टनर से बात कर रहा हूँ. आर यू? माइंडसेट शुड बी क्लियर ना. हम क्या है, हमें पता ही नहीं. एक लाइन सुनाते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं. जब सर हम क्वेश्चन का आंसर देंगे, सुनिए ना, अभी तो बड़ा आनंद आने वाला है. जब रावण सीता जी का हरण करके लेके चले गए, तो बोले कि भाई लंका समुद्र पार कौन करेगा? तो बोला भाई किसी में ताकत नहीं है. तो तब जामवंत बताते हैं कि कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन. तुम बचपन में सूरज को निगल लिए थे, तो समुंदर है. तो हम सिर्फ आपको आपकी शक्तियों का याद दिलाएंगे, बाकी सारी शक्तियाँ आपके अंदर खुद ब खुद हैं, ठीक है? हम वो वाला शक्ति नहीं, मोटिवेशन, यस यू कैन डू, नहीं हम वो वाला नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि मोटिवेशन इज अबाउट सोडा केन का बोतल को हिला दो, फुस कुदा फुस, दोबारा कितना भी हिलाओ वो हिलेगा ही नहीं. तो सोडा केन वाला मोटिवेशन नहीं, रियल वाला मोटिवेशन. सो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट निफ्टी का पार्ट होना चाहिए बिलो 100, एबव 4000, 3 साल से पुरानी कंपनी और 25% से ज्यादा प्रोफेशनल और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और यूरो पैसिफिक यहां पे होना चाहिए. और जब आप चलेंगे तो FII DII 25% से ज्यादा है सर. FII इज 40% एंड DII इज 22%. 40-20-60 61-62% यहां पे है ना. और आप थोड़ा सा आगे चलिएगा तो जो क्वालिटी कंपनियों के, तो पी फोर पब्लिक, पी फोर पगला बहुत कम होंगे यहाँ पे क्वालिटी कंपनियों में. तो हम सिर्फ FII का पार्ट लेते हैं, DII का पार्ट नहीं लेंगे. और FII में कौन कौन से हैं? यूरो पैसिफिक. अच्छा वहाँ से पढ़ नहीं पा रहे हैं क्या? अब ठीक है, आप बताइए ना, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन है, ठीक है. तो FII और DII, तो FII में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, इंडो पैसिफिक. दोबारा निफ्टी 50 के स्टॉक पर चलते हैं. HDFC उससे बड़ी कंपनी है, मतलब HDFC बैंक से छोटी HDFC. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन HDFC चार्ट. HDFC और HDFC का चार्ट कुछ वो भी कुछ इस तरह से जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है. सो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द चार्ट ऑफ HDFC, सो दिस, लेट्स हैव अ लुक ऑन HDFC. और HDFC के चार्ट पे प्राइस इज एबव 100. और वेन विल मूव टू इन्वेस्टर पैनल, FII इज एंड DII इज नियर अबाउट 90%. नियर अबाउट सर, मेरा माइक थोड़ा सा कम काम कर रहा है, देख लीजिएगा. FII and DII is near about 90% और P for public, P for पगला यहां भी कम.
और कौन एफआईडीआई है, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी यहीं पे है और यूरो पैसिफिक भी यहीं पे है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एंड यूरो पैसिफिक सर, वो आपको यहाँ पे पेड यहाँ पे है ना, लिस्ट में गायब हो जाता है। वो परसेंटेज में मत जाइए, परसेंट पे जाएंगे तो आप फिर चल ही नहीं पाएंगे। वो कितने परसेंट है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो लिस्ट में आपको नहीं दिखेगा, आप सिर्फ कम्युनिकेटिव पे चलिए। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है ना सर, ठीक है आगे चलते हैं, एक कदम और आगे चलते हैं। अभी मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन सिखा रहा हूँ, कौन सा स्टॉक काम करता है। क्या इस लिस्ट में पीएनबी का नाम है, नहीं है ना, तो हम लगाते हैं यहां पे पीएनबी के चार्ट को, पंजाब नेशनल बैंक। ये मंथली चार्ट है, वीकली भी लगा लीजिए। क्या सेम रूल पीएनबी पे अप्लाई होता है, निगेटिव क्रॉसओवर, मतलब हम पीएनबी के स्टॉक में इसलिए निवेश करते हैं कि चलो सस्ता है जी, लेकिन निगेटिव देके वो रोलर कोस्टर पे बैठ चुका है, और जब रोलर कोस्टर पे बैठ चुका है तो नीचे जाएगा। सो हम लोग क्यों निवेश कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता नहीं है हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। दिस इज पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक इज नॉट अ पार्ट ऑफ निफ्टी, कहानी खत्म। बिलो 100 गेम फिनिश, और FIIDI ओनली 2% FII एंड नो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, नो यूरो पैसिफिक एंड P4 प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्हें लगता है कि बचा लो जी, नहीं तो PMC की तरह भी डूब जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ मैनिपुलेशन। प्रॉब्लम यह ना कि आप पल्स तभी काम करेगा जब आप सही स्टॉक पे लगाएंगे, पल्स तभी काम करेगा जब सही स्टॉक पे लगाएंगे। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक गवर्नमेंट की कंपनी, स्ट्रांग फंडामेंटल्स। वो कौन सा एक हम सुनाते हैं, कौन सा, रेड लाइन ऑफ लंदन। ये लोग जानते हैं, ये लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बताता हूँ आपको, वो रेड लाइन ऑफ लंदन की एक कहानी है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। आप लोग नहीं, वीडियो बाद में दिखाएंगे। ओके, इससे हम एक और स्टॉक लेते हैं, और हम स्टॉक लेते हैं फॉर एग्जांपल लेते हैं ICICI बैंक। क्या ICICI बैंक को निफ्टी ने अपने पास क्यों रखा, साउथ इंडियन बैंक को क्यों नहीं रखा, इंडियन ओवरसीज बैंक को क्यों नहीं रखा अपने पास। तो वेन यू विल मूव टू ICICI बैंक लिमिटेड, सो लेट्स मूव ओवर हियर एंड लेट्स ओपन द चार्ट ऑफ ICICI बैंक लिमिटेड। दिस इज द चार्ट ऑफ ICICI बैंक लिमिटेड। Is it performing well? Yes. And let's move on ICICI Bank Limited. और जब ICICI Bank Limited की बात करते हैं तो investor panel पर जब जाते हैं, so FII is 48% and DII is and Government of Singapore and Euro Pacific. Is it interesting? Yes. तो बच्चों बजाओ ताली। Yes. माधुर साहब ताली कम से कम बजवाते रहा कीजिए, एक स्पीकर को और कुछ नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन। आप लोगों में से कोई एक स्टॉक के बारे में बताना चाहेंगे, कोई भी। सर क्या बात कर दी आपने, आपने हमारी दिल की बात कर दी और हम यही बोलने वाले थे। रिसेंटली एक न्यूज आया, सेबी का एक न्यूज था लास्ट मंथ का, कि उन्होंने गौतम भाई के सारे शेयर ब्लॉक कर दिए। क्यों ब्लॉक किए, कहां से पता चला, हम दिखाते हैं। दिस इज द चार्ट। हम शुरुआत करते हैं अरानी पावर, जहां से गेम शुरू हुआ। दिस द चार्ट। सर तो वो अलग अलग जगह पर हम उसमें दोनों तरफ से ट्रेड करेंगे, एज अ बिजनेसमैन हम दोनों तरफ से ट्रेड करेंगे, लॉन्ग भी करेंगे शॉर्ट भी करेंगे। एज अ इन्वेस्टर वी हैव ओनली वन अपॉर्चुनिटी, दैट बाय राइट सिट टाइट। एज अ बिजनेसमैन आपके पास सिर्फ एक काम है
कि बाय राइट सिट टाइट, एज ए व्यापारी आप मेरे पास आइए कि रवि भाई आप हमें पेन चाहिए, तो मेरे पास सिर्फ एक पेन है, आपने कहा 100 चाहिए हमें, आप ये भी व्यापारी हैं और मैंने कहा 100 पेन है अतुल, हाँ मैं इनसे लेके आपको बेच दिया। बिजनेसमैन बिना इन्वेंट्री का ही प्रोडक्ट बेच देता है, शॉर्ट सेलिंग जिसे बोलते हैं। तो हम लोग दोनों तरफ कमाते हैं, ऊपर जा रहा है तब भी कमाते हैं और नीचे आ रहा है तब भी कमाते हैं, और निगेटिव पॉजिटिव क्रॉसओवर चलता रहेगा। हर वक्त हर स्टॉक में एंट्री नहीं करेंगे। अभी मैं आपको एंट्री एग्जिट, अभी तो मैंने पहले पल्स बताया, फिर मैंने आपको बताया स्टॉक, फिर हम आपको बताएंगे एंट्री एग्जिट, सब चैप्टर है ना, एनी वेयर इन द वर्ल्ड। आप कर सकते हैं लेकिन उसका 100% कन्विक्शन मैं भी आपको दूंगा, अभी उसका एक कन्विक्शन का पार्ट है, अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल, ठीक है। हम चार्ट लेते हैं, अडानी पावर से शुरू करते हैं, यहाँ से गेम शुरू हुआ अडानी पावर से, और अडानी पावर का स्टॉक्स में कुछ उन्होंने यहीं से बैन हुआ कंपनी, और लेट्स हैव अ लुक। हम कहते हैं कि अडानी इज 100% मैनिपुलेटेड, दिस इज द चार्ट ऑफ अडानी पावर। सर एसी बंद है क्या? आप लोगों को गर्मी लग रहा है? हमें थोड़ा गर्मी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा करवा दीजिए। नहीं नहीं हमें इसे कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो फ्लीस है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ और इन्वेस्टर पैनल पे जाइए तो P4 FIDI देख लीजिए हालत क्या है। दूसरा स्टॉक लेते हैं, दूसरा जो उनका काम बना था वो बना था अदानी ग्रीन्स पे, और अदानी ग्रीन्स का स्टॉक प्राइस कुछ भी, इन्वेस्टर पैनल FIDI में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर नहीं है साहब, आप चेक कर लीजिए, नो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, और प्रमोटर्स यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को। जब प्रमोटर्स कंट्रोल करेंगे कंपनी को, मैं आपको एक और दिखाता हूँ, दिस इज द चार्ट ऑफ रिलायंस इंफ्रा, दिस इज द चार्ट ऑफ रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस इंफ्रा। देखिए कोई हमें अगर समय लगता है तो सिर्फ और सिर्फ चार्ट की वजह से, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ट है, नेगेटिव में आया था, रेड कलर बना, और इसी के जगह पे हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट की, दिस इज द चार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्री का पॉजिटिव क्रॉसओवर ऊपर, और हम दोनों को कंपेयर करते हैं, दिस इज द चार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो जब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का जो चार्ट है, तो इसमें इन्वेस्टर पैनल को सर्च कीजिए सर, और इन्वेस्टर पैनल में FII और DII दोनों मिला के नियर अबाउट 40%, 25+13, 40%, 39% FII और DII दोनों मिला के। और अगर ये स्टॉक क्वालिटी का स्टॉक होगा तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और यूरो पैसिफिक 100% होगी। समझिए चीजों को, और P4 पब्लिक बहुत ही कम, पब्लिक बहुत ही कम। जब क्वालिटी का स्टॉक्स होता है तो उस स्टॉक में पब्लिक का स्टेक बहुत ही कम होता है। हमें FIDI पे फोकस करना है सर, प्रमोटर्स रहे ना, प्रमोटर्स पूरा खरीद लें, FIDI 25% से ज्यादा होने चाहिए। कि HDFC लिमिटेड में प्रमोटर्स है ही नहीं है उसमें प्रमोटर्स, वो सारा FIDI कंट्रोल्ड स्टॉक्स हैं। आपको ये बताया गया कि SGX निफ्टी को फॉलो करो, क्यों फॉलो करो, दिस इज द रीजन, इसलिए फॉलो कीजिए कि SGX निफ्टी को इस वजह से फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, एक कदम और आगे, इसके जगह पे हम इस स्टॉक की बात करते हैं, रेल इंफ्रा की बात करते हैं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे क्यों जा रहा है, दिस इज द स्टॉक रेल इंफ्रा, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अभी 105 का हुआ है, पहले तो स्टॉक नीचे ही था। इन्वेस्टर पैनल पे जाएंगे, सो प्रमोटर्स यूज टू बी 50%, अभी सिर्फ 4% है।
FII used to be 26%, right now only 2%, and no FII, sorry, no government of Singapore, no Euro-Pacific, and P4 Pagla is here. यहाँ पे सिर्फ पब्लिक का कंट्रोल है 88% का. 88% पब्लिक क्या कर लेगी सर कंपनी में? जिस कंपनी में पब्लिक आ गई इनको थोड़ी चलाना आता है. पब्लिक और प्रमोटर्स जिस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं वो कंपनी कभी आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती है, आइदर इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग और आइदर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो आपको प्रॉफिट दे ही नहीं सकती है. क्या हुआ सर? अभी तो देखो सर, गोयल साहब अभी तो हमने शुरुआत नहीं किया, लेकिन होता है ना कहावत, किसमें मजाल जालिम की छेरे दिलेर को, गर्दिश में मात देते हैं गिदर भी शेर को, कभी कभी स्टॉप लॉस भी लगता है. अभी 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 तो बस शुरू करने दो सर, अभी तो मोशन बना रहे हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. आप लोग कहते हैं आरकॉम का शेयर सस्ता है जी, आरकॉम में हम इन्वेस्ट करेंगे. आपकी इच्छा, पैसा आपका, 3 रुपये का स्टॉक खरीद लो. क्या 3 रुपये आपका सेफ है? इज दिस 3 रुपीज 100% सेफ? सो आंसर इज नो. व्हाई? लेट मी शो यू. सिंह साहब अभी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. प्रमोटर यूज टू बी 53% भाग लिए. जब बाप को अपने कंपनी में भरोसा नहीं है तो आप भरोसा क्यों कर रहे हैं? प्रमोटर यूज टू बी 53% एंड FII 0. भाग लिए. और जहां लोग भाग रहे हैं वहां P4 Pagla P4 Public खरीद लो जी, सस्ता मिल रहा है. सी द डेटा, डेटा इज इन फ्रंट ऑफ यू. हम झूठ बोल सकते हैं, डेटा झूठ नहीं बोलता है. इज इट इंटरेस्टिंग लिटिल बिट? थैंक यू वेरी मच. लेकिन आप लोग ताली बजाने में बड़ा कंजूसी करते हैं. ताली ऐसे ही बजाते रहिए, उससे आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि चाय हम एक ही बार पिलाएंगे. प्रमोटर से हमें लेना देना नहीं है सर. FII DII 25% से ऊपर होने चाहिए. हाँ सर, दोनों को मिला के सर. देखिए सर, हम अभी खानदान देख रहे हैं, अभी हम लड़की तक नहीं पहुंचे हैं. जब शादी की बात करते हैं ना तो पहले देखते हैं खानदान कैसा है, तो देखते हैं उसको खानदान का रिश्ता किसके किसके साथ है. तो अभी खानदान का रिश्ता चेक कर रहे हैं. पता चले पहले ही डाकू है, बीरप्पन के खानदान से है, तो पहले ही आप आगे नहीं बढ़ेंगे. सो वी हैव टू लुक फॉर खानदान फर्स्ट, कि खानदान कैसा है. तो स्टॉक का एक खानदान चेक करते हैं. आप किस में निवेश करेंगे? आपका फेवरेट स्टॉक है यूनिटेक. क्या आप बात कर दिया सेठ? यूनिटेक 25,000 का हुआ करता था, है नहीं? 25,000 का हुआ करता था, अभी 25,000 का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यूनिटेक में निवेश करने से बहुत फायदा होगा. कैसे फायदा होगा? कौन यूनिटेक को चला रहा है? आखिर जब नीचे गिर रहा है रवि भाई, ये ग्रीन कैंडल कौन बनाया? कौन बनाया? पब्लिक नहीं बोलते हैं सर, P4 Public P4 Pagla. सो लेट्स हैव अ लुक एंड टाइप द स्टॉक्स नेम, एंड दैट इज यूनिटेक, एंड दिस इज यूनिटेक लिमिटेड. और यूनिटेक का स्टॉक पे जब चलते हैं तो करंट प्राइस इज ऑन रुपीज, फिर भी लोग निवेश कर रहे हैं, स्टॉक जिंदा है, बिकॉज P4 Public P4 Pagla इज 94%. आप तो यही सब ढूंढते हैं कि कौन सस्ता मिल जाए जी. सर चल गया तो लाख. सोचिए कि अगर आपको अपने पूरे जीवन की कमाई लगाना हो तो क्या इसमें लगाएंगे? लोगों को नो द पल्स का जो बेस है ना, बहुत बड़ा लगता है कि अरे रवि भाई दुबई बैठते हुए करते हो करते हो, लेकिन रोड टू रोम वाज नॉट इजी. हमारे भी धुएं निकले. हंसी माथुर साहब, जर जरूर देखेंगे सर. क्या कुछ है क्या लगा हुआ? नहीं नहीं, अगर है तो बताइए, उसका एनालिसिस बता देंगे. सर DLF में हमने इन लोगों को करोड़ों कमा के दिया. सर जी आप थे DLF वाले में? अच्छा, ये शायद तुम थे प्रशांत, तुम थे मुनीश, DLF वाले में आप थे. आपको याद है माथुर साहब DLF वाला? सर सर देख रहे, देख रहे. रुचि सोया, एक मिनट का समय दीजिए ना सर, बस एक मिनट का समय दीजिए आप.
सर डीएलएफ का डेली चार्ट है सर, डेली भी पॉजिटिव है सर, पप्पू पास हो गया, वीकली भी पॉजिटिव है सर, पास है, तो मंथली अगर पॉजिटिव है सर तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर ना, लगा दो। स्क्रीनर बता रहे हैं, स्क्रीनर सही दिखाएगा, स्क्रीनर डीएलएफ का गलत नहीं दिखाएगा सर, दिस इज डीएलएफ, स्क्रीनर सही दिखाएगा सर डीएलएफ का। और डीएलएफ में 100 से ऊपर इन्वेस्टर पे FIDI नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाए तो गवर्नमेंट सिंगापुर है सर, लगा दीजिए सर, कुछ कम है क्योंकि निफ्टी का पार्ट नहीं है, तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करके आपको चलना पड़ेगा। हाँ सर तो चलाएंगे, तो आप एंटर कीजिए ना, लेकिन इन सब स्टॉक्स का मोमेंटम होता है, इसमें भी पैसा कमाने का बहुत रास्ता है, वो सब एक बार मत इंटर कीजिए क्या। अब आपको दिखाता हूँ एक सर, एक पहले रुचि सोया का डिमांड आया सर उधर से, रुचि सोया का डिमांड आया था भाई साहब की तरफ से, कौन थे आप थे सर, अच्छा सर चंद्रशेखर जी, सर ये रुचि सोया का चार्ट था, जब मार्केट खुला ना तो किसी को कोई कैंडल बिना कैंडल बने ऊपर चला गया, हर दिन सर्किट, हर दिन अपर सर्किट, हर दिन अपर सर्किट, हर दिन अपर सर्किट, तो जब अपर सर्किट लगता गया तो अपर सर्किट लगाया किसने, और जब नीचे आया तब भी हर दिन लोअर सर्किट, ना ऊपर जाने में कैंडल बन रहा है और ना नीचे आने में कैंडल बन रहा है, तो इसको बोलते हैं मैनिपुलेटेड स्टॉक्स। तो रुचि सोया का लिस्टिंग जब हुआ तो रुचि सोया पे थोड़ा सा सर्च कीजिए, दिस इज द चार्ट ऑफ रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और रुचि सोया में जब सर्च करेंगे तो इन्वेस्टर पैनल पे जाइए तो 1% पब्लिक और 99% बाबा जी। हमें पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए लेकिन क्या करें, जो सच्चाई है सच्चाई है, हम सर जिस स्टॉक में सर्किट लग रहा हो ना तो उसमें दो ही आदमी सर्किट लगाता है, या तो पागल वाला सर्किट या तो प्रमोटर वाला सर्किट, और कोई सर्किट लगा ही नहीं सकता है। प्रोफेशनल्स कभी पंगा नहीं लेते हैं, उनका काम है धंधा करना, उनका काम पंगा लेना नहीं है। किरणाल चाय वाय कब पिला रहे हो देख लो थोड़ा। अभी अभी सर हम सारा क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। सब फर्क पड़ता है। मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग ए कप ऑफ कॉफी, बट योर ट्रेड शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, एंड अ स्टॉक मार्केट इज द इजिएस्ट टू मल्टीप्लाई योर कैपिटल, एंड अ स्टॉक मार्केट इज द इजिएस्ट टू लूज योर कैपिटल एज वेल। जिस तरह से मैरिड हैं चावला साहब, वाइफ का मतलब क्या होता है, अगर आप यू नो हाउ टू मैनेज, सो वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉय, माइंड मत कीजिएगा मैं थोड़ा ब्लंट आदमी हूँ, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट WIFE, और अगर आप ट्यूनिंग मिलाना नहीं जाने, मिले सुर मिला तुम्हारा तो क्या होगा, वार इन्वाइटेड फॉर एवर, आ जाओ तुम भी आ जाओ हम भी आ जाते हैं, तो वार इन्वाइटेड फॉर एवर। तो इट डिपेंड दैट हाउ डू यू मैनेज, मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए और आगे चलते हैं, निफ्टी के आईटी में चलते हैं, इंफोसिस, दिस इज द चार्ट ऑफ इंफोसिस, डू यू थिंक यू आर लर्निंग समथिंग, कि फास्ट चलूं बहुत ज्यादा। जेलर साहब ये जेल नहीं है, आप मुस्कुरा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द चार्ट ऑफ इंफोसिस, इंफोसिस का हमारे निफ्टी हमारे आईटी सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी है, दिस द चार्ट ऑफ इंफोसिस, और इंफोसिस ऐसे स्टॉक में मैं लॉन्ग में बैठा हूँ। पूछे क्यों लॉन्ग में बैठे रवि भाई, क्या कारण है, क्योंकि इंफोसिस के डेली चार्ट पे देखिए, डेली चार्ट ऑफ इंफोसिस, मैं यहाँ से लॉन्ग किया इंफोसिस को, इट हैज गिवन अ पॉजिटिव क्रॉस ओवर, अ पॉजिटिव डेली इसने क्या दिया पॉजिटिव, मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटजी बताऊंगा, पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया डेली चार्ट पे इसने, डेली चार्ट पे, ठीक है, डेली
वीकली मंथली अगर किसी भी स्टॉक का एक डायरेक्शन में चल रहा हो, आप आंख मूंद कर उस डायरेक्शन में चलिए. नो वन कैन डिफीट यू. अगर आपको एंट्री एग्जिट में बता दूंगा, अगर मैं पूरा जितना कवर कर, नहीं तो फिर मैं आपको एक लिंक बताऊंगा, वो मेरा अवेलेबल है, मैं वो अभी आपके साथ शेयर भी कर दूंगा. हम NBT के लिए सेशन करते हैं ना भारत टाइम्स के लिए, तो वो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा. सो दिस इज ये मैं 20 क्रॉस ये मैं 50 कैंडल क्लोज्ड इनटू ग्रीन कलर डेली चार्ट पे. आफ्टर डेली चार्ट वीकली चार्ट पे, आफ्टर डेली चार्ट वीकली चार्ट पे भी इसने क्या दिया, पॉजिटिव ग्रीन कैंडल. डेली यहां दिया, वीकली यहां दिया, और डेली वीकली मंथली अगर तीनों एक डायरेक्शन में हो जाएं तो फिर मिले सुर मेरा तुम्हारा और मार्केट ऊपर चलता चला जाएगा. एंड आफ्टर दैट लोग कहते हैं कि सारे स्टॉक्स बढ़े, मैं कहता हूं सारे, सी द चार्ट ऑफ द मार्केट इज गोइंग अप. बट इस कोविड के दौरान एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था डेली भी अप, वीकली भी अप, मंथली भी अप. और सेम एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं PNB पे और यस बैंक पे. डेली भी डाउन, वीकली भी डाउन और मंथली भी डाउन. और इसको आप मिलाइए स्क्रीनर से पहले. हेयर टाइप इंफोसिस, दिस इज इंफोसिस लिमिटेड. और इंफोसिस में आप चलिए इन्वेस्टर पैनल पे, प्रमोटर इज ओनली 12% एंड FIIDI इज हियर. एंड व्हेन विल क्लिक ऑन FII, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर. अभी तो DII का चैप्टर ही हमने शुरू नहीं किया, शुरू करेंगे. सर हम अगर ट्रेडर हैं तो हम जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं उसी में हम बताएंगे. डेली तीनों अगर जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता है. नहीं सर, वो मैं बता रहा हूँ, इसका पहले वो डेली देगा फिर वीकली देगा. और इसका भी एक साइंटिफिक रूल्स है. मैंने क्या कहा, मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दे के भेजूंगा, नहीं दे पाया तो मैं आपको दो चार लिंक दे दूंगा जहाँ कंप्लीट नॉलेज शेयर रहे. देखिए मैं जो बातें कर रहा हूँ लॉजिकल है, मैजिकल है, साइंटिफिक कर रहा हूँ, इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, मैं लॉजिकल बातें कर रहा हूँ ना, तो मैं वही लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. क्या लगता है, डायरेक्ट मैं इस टॉपिक पे आता जो शुरुआत में मैंने समा बांधा था, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्भ ध्वजा, तो ये समझ में नहीं आता आपको. और मैं अगर प्रोसेस को बार बार रिपीट करूँगा तो इसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि आपको 50,000 तरीके का स्किल्स आना चाहिए. कौन कौन एक बार में ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, चलो तुम्हारा भाई जहाज उड़ाएगा, एनीवन कोई थे क्या, उसके लिए भी समय लगा. तो बहुत कुछ है, हम खाना खाने में तो 3 साल लगा दिए. सो दिस इज FIIDI इज हियर. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम स्ट्रेटजी ऑन यस बैंक. दिस इज द चार्ट ऑफ यस बैंक लिमिटेड. समझिएगा कि यस बैंक में हमें क्यों निकलना चाहिए था. यस बैंक लिमिटेड का ये मंथली चार्ट है, मंथली क्रॉस ओवर कैंडल. तो मंथली के पहले किसकी पिटाई होगी, वीकली की पिटाई होगी. तो मंथली के पहले वीकली की पिटाई होगी. दिख रहा होगा सर, इसके पहले किसकी पिटाई होगी, डेली की. सर साइन हमें यहीं पे मिल गया कि अब भैया यस बैंक में भी लॉन्ग प्लान मत करो, सिर्फ शॉर्ट प्लान करो, पहले डेली फिर मंथली देन वीकली. तो हमें तो वहीं पे साइन मिल गया कि मार्केट में यस बैंक की स्थिति खराब है, थोड़ा सोच समझ के निवेश करना. फिर भी हम लोग को लगा सस्ता है रे, लूट लो रे. यस कृणाल, ओके 11:30 ठीक है, थोड़ा 15 मिनट पहले कर लेने बोलो, क्योंकि एक टॉपिक शुरू करेंगे फिर हम ब्रेक नहीं देंगे. थोड़ा कहो कि सर थोड़ा पहले शुरू कर लीजिए.
अब हम आपको एक छोटा सा साइंस बताने जा रहे हैं, साइंस बताने जा रहे हैं व्हेन टू इंटर। अब एक सेकंड के लिए भी कहीं मत जाइएगा, मोबाइल बंद कर दीजिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं। दैट इज नोन एज डिमांड एंड सप्लाई की बात हम करेंगे अब। और जब हम डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए हैक्टिक और थोड़ा सा उल्टा पुल्टा गेम होगा। अब हम आपको 100% बताते हैं कि प्रोफेशनल्स को 100% कैसे फॉलो किया जाए। हम बात करते हैं, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड और सप्लाई। मार्केट दो ही चीज़ों से चलता है, डिमांड और सप्लाई से चलता है। और जब तक हम डिमांड और सप्लाई को 100% नहीं समझेंगे तब तक हम मार्केट को नहीं समझ पाएंगे। सरोज जी, सरोज कुमार प्रधान उड़ीसा, आज ही आए हैं, मुझे लगा मैं सकल, कैसे फ्लाइट ट्रेन, क्या बात है। ओके, पहली बार मिल रहा हूँ जुल्फिकार जी इन लोगों से, मुझे लगा था, मुझे ऐसा लगा। तो जब हम बात करते हैं डिमांड और सप्लाई की, तो मार्केट कहाँ से मूव करेगा, व्हेन टू इंटर एंड वेयर टू इंटर एंड व्हेन टू एग्जिट एंड वेयर टू एग्जिट। तो हम बात करते हैं मार्केट में एंट्री और एग्जिट की बात करते हैं। और दो ही काम करना है, खरीदना है बेचना है, लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है। और हमें ढूंढना है व्हाट इज द होलसेल प्राइस ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टॉक एंड व्हाट इज द रिटेल प्राइस ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टॉक। किसी भी स्टॉक का होलसेल प्राइस क्या है और किसी भी स्टॉक का रिटेल प्राइस क्या है। अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आपको 2-4 kg में कोई होलसेल रिटेल का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप व्यापार करने जाते हैं तो आप पूछेंगे, अच्छा भैया कितने का दे रहे हो। क्या स्टॉक मार्केट में आप बार्गेनिंग करके होलसेल और रिटेल प्राइस ढूंढते हैं? ये क्या बात बता दिया रही भाई, होलसेल रिटेल, इस यहाँ किसके साथ बार्गेनिंग करेंगे। इफ यू डोंट नो हाउ टू बार्गेन यू कांट बिकम अ ट्रेडर। और ये जो मैं बताऊंगा किन्हीं के इधर से निकलेगा, क्योंकि ये हमारे 14 साल का तपस्या है और इट इज 100% बुलेट प्रूफ। अभी तक मैंने जो बताया ये हमने आपको स्टॉक सेलेक्शन का प्रोसेस बताया, अब हम आपको स्टॉक ट्रेडिंग का प्रोसेस बताते हैं, when to enter and where to enter and when to exit and where to exit। हम लोग हमेशा प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वी ऑलवेज बाय इन रिटेल। फॉर एग्जाम्पल इस पेन का प्राइस है 1 lakh, फॉर एग्जाम्पल रिटेल मार्केट से हमने खरीदा, हम बोलेंगे राजकुमार जी आप हमसे खरीद लीजिए। क्यों, राजकुमार जी के मुंडी पे सी लिखा हुआ है, हंसने की बात नहीं, शुभम सही बोल रहा हूँ, क्यों खरीदेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि हम हमेशा रिटेल मार्केट से उठा के रिटेलर को चेपना चाहते हैं। तो लेकिन बिजनेस में मार्केट कंट्रोल कौन कर रहा है, और मार्केट कंट्रोल हमेशा प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। सो व्हाट इज द स्ट्रेटजी प्रोफेशनल्स आर यूजिंग। अभी हमने सिर्फ खानदान देखा, खानदान देख लिए, अब लड़की पसंद करने चलो। और फिर लड़की जब पसंद करेंगे तो बोलेंगे बेटा थोड़ा नाच के दिखाओ, बेटा थोड़ा गा के दिखाओ। तो हम मुजरा सुनने नहीं जाते हैं, हम देखने जाते हैं कि लड़की गूंगी है या बहरी है, ये हम टेस्ट करने जाते हैं। तो हम उस प्रोसेस पर चलते हैं और हम बात करेंगे कुछ पैटर्न की बात करेंगे। लॉन्ग को हम बोलते हैं बाय लॉन्ग, डिमांड बुलिश सप्लाई एंड ग्रीन। और शॉर्ट को बोलते हैं सेल शॉर्ट सप्लाई बियरिस, इसको रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, और इसमें रेड बनता है। तो यह इसे हम बोलेंगे रैली और इसे हम बोलेंगे ड्रॉप। तो रैली और ड्रॉप के हम बात करेंगे कि रैली कैसे काम करता है और ड्रॉप कैसे काम करता है। तो जब रैली और ड्रॉप की बात करते हैं सो एक समुंदर का एग्जांपल लीजिए। समुंदर में दो तरह के खिलाड़ी हैं, एक बड़ी शार्क और एक छोटी मछली। तो अगर आपको समुद्र में जीवित रहना है तो शार्क के पीछे रहना पड़ेगा। अगर आप शार्क के आगे चलेंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरह का होगा, और आप बोलेंगे हमारे 10,000 रुपये के लिए तुम बैठे हुए थे लेके चले गए।
क्योंकि आप सार्क के आगे चल रहे हैं, बिकॉज दिस सार्क इज प्लेइंग इन 95 ट्रिलियन और आप प्ले कर रहे हैं 9500 में. तो हाउ टू फॉलो दिस सार्क, इस मछली को फॉलो कैसे किया जाए, हाउ टू फॉलो दिस सार्क, हाउ टू फॉलो प्रोफेशनल्स. शुरुआत से अभी तक हम एक ही लाइन पे फोकस्ड हैं एंड माय लाइन इज प्रोफेशनल्स एंड नोविस, अगर आप लोग गौर कर रहे हो तो. और हम कोई बातें नहीं कर रहे हैं, हमने आपको जाने अनजाने में बहुत कुछ बता दिया, इतना तो हम भी नहीं जानते थे. नो मैटर व्हाट एवर द इकोनॉमी ऑफ जंगल, अ लायन विल नेवर ईट ग्रास. हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी खा लो जी, कोई फर्क नहीं पड़ता. शेर बहुत चूजी है अपने प्रोडक्ट में, बहुत चूजी है, और उस प्रोडक्ट को कैसे चूज किया जाए, बिकॉज देयर आर 4 मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ अ ट्रेड. एक ट्रेड का 4 कॉम्पोनेंट होता है, इस रूम में आने का 4 कॉम्पोनेंट, एंट्री कैसे करना है और एग्जिट कैसे करना है. तो एंट्री एंड एग्जिट देखिए क्लियर लिखा हुआ है, एंट्री एंड एग्जिट शुड बी मींस एंट्री के बाद या तो टारगेट के साथ एग्जिट हो जाओ या तो स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट हो जाओ. सो अकॉर्डिंग टू myself, a stop loss का मतलब क्या होता है, what is the meaning, what is the actual meaning of a stop loss. आप लोग को तो ये और stop loss हो गया, उस शब्द को तोड़िए, break कीजिए, a stop loss जो कि आपके loss को रोका वही तो stop loss है. a stop loss is cost of doing business, that's why it is known as a stop loss. So your stop loss should not be greater than 0.5% of your entire capital. जो भी capital आपका है उसका 0.5% से ज्यादा stop loss नहीं हो. ये stop loss should not be greater than 0.5%. मैं guarantee के साथ कहता हूं कि मैं जो आगे बताने जा रहा हूं आप कहीं apply कर दीजिएगा, 1 करोड़ के capital पे, 1 लाख के capital पे लगा के छोड़ दीजिए, सिस्टम के सामने नहीं बैठना है, 500 से ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता है. मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कोई स्टॉक ट्रेडिंग में गारंटी शब्द यूज नहीं करता, मैं करता हूं और इस सब की मैं गारंटी देता हूं. यू डोंट नीड टू बाय एनी सॉफ्टवेयर, यू डोंट नीड टू बाय एनी टूल्स, एग्जिस्टिंग ब्रोकर के साथ चलिए. सेकेंड, एंट्री लाइन शुड बी प्री डिफाइंड एंड टारगेट शुड बी प्री डिफाइंड. लेकिन फंसते कहां पे है बेटा, कितनी क्वांटिटी खरीदोगे, 5 लॉट खरीद दो यस बैंक का, 5 लॉट बेच दो HDFC का, वाय कोई सपना आया था, कैसे भाई साहब, कैसे 5 लॉट कैसे खरीदते हैं, हाउ डू यू डिफाइन क्वांटिटी, हाउ डू यू डिफाइन योर रिस्क. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सेट्स, इस फॉर्मूले का नाम है SETS, सेट्स, अ स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट एंड साइजिंग. और इसके लिए मैं आपको 2 रूल्स पढ़ाता हूं. पहले रूल्स का नाम है, जिस रूल्स के बारे में हम बात करेंगे, पहले रूल्स का नाम है कि जब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट एंड साइजिंग की, तो कैसे एंट्री कैसे पहचानेंगे और टारगेट कैसे पहचानेंगे, इसके लिए थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज चाहिए. अभी तक तो समझ में आ भी गया, इसका आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम, नॉट 1 टाइम, नॉट 2 टाइम, नॉट 3 टाइम्स, नॉट At least you will have to practice 10 times because this is not as easy as making a cup of coffee. और अब मैं how to enter and how to exit. तो हम जब entry और exit की बात करते हैं तो entry exit किसी भी stock में entry और exit करने के लिए किसी भी stock में entry और exit करने के लिए हम उस stock में एक tool supply करते हैं और उस tools का नाम है ATR और unfilled order candle. ATR, अब लिखी मैं बोलूँगा लिखिए, क्योंकि लिखने से ज़्यादा काम चलेगा, मैं उतना लिखूँगा तो बहुत लंबा सेशन चलेगा. ATR और अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल, व्हाट इज ATR? दिस इज द चार्ट. हमें कैसे पता है कि यस बैंक हमको कितने दिन में अरबपति बनाएगा, हमें कैसे, अच्छा लंदन में हमारी मीटिंग है अगले महीने तो हम कल का जहाज पकड़ लेते हैं, लंदन जाने तो 1-1.5 महीने का टाइम लग जाएगा ना, कितना, नहीं नहीं बाय फ्लाइट कितना टाइम लगेगा सर, वो आप कैसे बोल रहे हैं,
हमारी गाड़ी सर पता है, हमारी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल डलाने बाद 300 किलोमीटर चलती है, आपको विश्वास होगा? कोई भी गाड़ी हो सर, विश्वास नहीं होगा ना? क्यों विश्वास नहीं होगा? हाइब्रिड वाला नहीं, नहीं और बताते हैं। कल मेरे पास पैसे, लॉकडाउन का पहले पैसे थे, तो मेरे पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ऑल्टो कार थी, तो 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के बाद मेरी गाड़ी चलती थी 15 किलोमीटर, और लॉकडाउन में थोड़ा सा मंदी आ गया तो मेरी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल डलाने के बाद चलेगी 1500 किलोमीटर, क्योंकि गाड़ी समझती है। आप कैसे जनरलाइज कर सकते हैं? बिकॉज मार्केट का एक रेंज है। यस बैंक में कितना भी हवा भरेंगे तो तुरंत बड़ा नहीं होगा, ये कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि आप गाड़ी का एवरेज चेक करते हैं, एवरेज। सो यस बैंक कितने समय में अरबपति बनाएगा, इसका एक एवरेज निकालते हैं, या कोई भी स्टॉक। यहां पे आप जाइए और इंडिकेटर्स में अप्लाई कीजिए एवरेज ट्रू रेंज, इंडिकेटर्स में एवरेज ट्रू रेंज। देखिए यहां पे आपको, हम थोड़ा इसका कलर चेंज करेंगे, क्योंकि कलर इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अगर यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे आपको दिख रहा है कुछ महसूस हो रहा है? दिख रहा है सर? सही है, परफेक्ट है। देखिए देखिए, आप बोलिए कि हमें ये चाहिए, एवरीथिंग इज रेडी। और खासकर जब तक हमारे चावला साहब है तब तक, तो एक एक, एक चीज़ है कि आप बोलो सर क्या चाहिए। चावला साहब एक मिनट, तुम भी खसक जाओ भाई, तुम भी खसक जाओ, और जेंडर वर्टिकल रहने देते हैं। तो अगर यस बैंक के डेली चार्ट का हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, तो डेली चार्ट अगर सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही चलता रहे तो कितने सालों में ये 400 का पहुंचेगा? तो एक दिन में यस बैंक का जो एवरेज है ऊपर जाने का, ये कितना है? 54 पैसे का है, 54 पैसे का। हम क्या सोच रहे हैं कि अरे आज ले लो रे, कल अरबपति बन जाओगे रे, वी आर थिंकिंग समथिंग लाइक दैट। एवरेज स्टूडेंट विल गिव यू क्लियर डायरेक्शन द मार्केट कितना ऊपर जाएगा। और बाय इन होलसेल का एक फॉर्मूला है, क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR इक्वल टू होलसेल प्राइस, लिख लीजिए, वहाँ बाय करते हैं, और क्लोजिंग प्राइस प्लस ATR इक्वल टू रिटेल प्राइस। प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे हम। क्लोजिंग प्राइस यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखेगा आपको ओपन हाई लो एंड क्लोज, यहाँ दिख रहा है आपको, ये आपको दिखेगा ओपन हाई लो एंड क्लोज, दिख रहा है चावला साहब? क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR, माइनस ATR इसलिए करेंगे क्योंकि बाजार से सस्ता खरीदना है और बेचना हमेशा महंगे में है। और जहां पे क्लोजिंग प्राइस माइनस ATR आप लगाएंगे, वहां पे आपको हमेशा एक कैंडल ढूंढना है, और उस कैंडल का नाम होगा अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल। तो अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल होता कैसे है? ब्रेक के बाद।